सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, महात्मा फुले, रमाई भीमाई सबको प्रणाम करती हूँ, और जो भी महापुरुष हुए हैं और जो भी होने वाले हैं उन सबको मैं नमन करती हूँ। आप सभी वी द पीपल में जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सदस्य जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ और मंगल कामनाएं करती हूँ। वैसे तो मैं ये तीसरी मीटिंग है वी द पीपल में, मैं रमेश कटके जी सर इनके माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और आप सबको मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस इंटरनेट की जगत में हम कहाँ कहाँ बैठे हैं, अमेरिका में, फ्रांस में, लंदन में, सारे लोग अपने धम्म बंधु भाई बहन हमारे साथ इस मीटिंग के माध्यम से बातचीत करते हैं, उनका विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जैसे कि अपना परिवार दो व्यक्ति से चलता है, पुरुष और स्त्री से, तो महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहिए तो पुरुषों ने अपनी बहन, बेटी, बहू, पत्नी को आगे करना चाहिए। आज की जो मीटिंग थी, हमें लगा था कि भाई जो भी पुरुष वर्ग हमारे साथ जुड़े हैं विद द पीपल में, जैसे कि 250 लोग जुड़े हुए हैं, तो उन 250 लोगों ने कम से कम 100 अपनी बेटियों और मेरी भगिनी को जोड़ना चाहिए था, बताना चाहिए था कि मैं विद द पीपल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज महिलाओं का सत्र है तो महिलाओं ने सबने इसमें जुड़ना चाहिए, तो हमें फख्र महसूस होता कि जो लोग जुड़े हुए हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी को, बेटी को, बहू को प्रेरणा दी है, आगे करने की कोशिश की है। तो कहीं तो हम ही अपने आप अपने लोगों को, अपने परिवार को पीछे रखते हैं और हम आगे होकर बात करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे परिवार की जो भी महिलाएं हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी कहीं पर भी जाते थे, जैसे रमाई को नहीं ले जा सकते थे वो साथ में, लेकिन जब उन्होंने दूसरी शादी की तो अपनी पत्नी को हर वक्त में वो साथ रखते थे और हर एक को बोलते थे कि भाई अपनी पत्नी को साथ रखना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य में सहभाग, जब वो कार्य थम जाए तो पत्नी आगे बढ़ा सकती है। अगर वो घर पे रहेगी तो आपके कार्य के बारे में किसी के बारे में कुछ जानेगी नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें समाज में, परिवार में आ सकती है। तो जैसे कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे भी धम्म भी जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, यही लोग समझ नहीं पाते हैं और इस अज्ञान के कारण ही जो गालियां हैं, जो एक दूसरे को निंदा नालस्ती करना है, अहंकार है, ये पनपता है मन में। तो जो भी व्यक्ति समझो अच्छे जीना चाहता है, अपना मित्र हो या कोई भी हो, हम धम्म के मार्ग से चलते हैं तो हमें पता है कि भाई पंचशील के माध्यम से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो जो भी अपने साथ मित्र जुड़ जाए, किसी भी समाज का हो, पाली में भी ना बता सके तो हमने उनको गया हुआ, पैर में दर्द हो रहा है क्या, छाले पड़ रहे हैं क्या, थक गए हैं क्या भैया, आप म्यूट कर दीजिए। ये तो किताब में नहीं लिखा, मैं सिर्फ इतना ही काम करूंगी, फेंकने, आप म्यूट कर दीजिए। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे कोई भी हो, हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति हो, मित्र हो, किसी भी समाज से हो, हमें समाज के लिए काम ही नहीं करना है, हमें व्यक्ति के लिए, मानवता के लिए काम करना है। जब हम मानवता का विचार लेकर अगर बाहर निकलते हैं तो कोई भी दुखियारा हो उन्हें हम मदद कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हमें सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को ही जोड़ना है, बुद्धिस्ट लोगों के साथ ही काम करना है, या बुद्धिस्ट लोगों को ही, लोगों की ही समस्याओं को हमें सुलझाना है, तो यह मानवता नहीं होगी। तो ये सोच को हमें बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, आगे बढ़ाना है, हमारे विचारों को प्रगल्भ करना है इस बारे में। मानव हमारे लिए सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण केंद्र है। तो जैसे कि पंचशील के माध्यम से भारतीय घटना की निर्मिति भी पंचशील के ऊपर ही हुई है। अगर हम उस 5 शीलों का भंग करते हैं तो हमारे जीवन में दुख पैदा होता है, हमें जेल जाना पड़ता है, शिक्षाएं होती हैं। तो वैसे ही परिवार में भी अगर हमारा बच्चा झूठ बोलता है तो हमें उसी वक्त उसे समझाना चाहिए कि भाई झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गालियां देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो अपने विचारों का हनन है, हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर यही बात हम समझाते समझाते आगे जाएंगे तो एक एक परिवार भी सुधर जाएगा। जैसे कि एक परिवार सुधर गया तो गाँव के 10 परिवार अच्छे बन जाएंगे, गाँव के 10 परिवार अच्छे बन जाएंगे तो और लोग हमारा आदर्श लेके और लोग सुधर जाएंगे। तो परिवार, गाँव, शहर,
तो इसी तरह हमारे वी द पीपल के साथ हमें जोड़ते हुए, जैसे कि हम अभी शहर के लोग, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, सारे अधिकारी वर्ग जुड़े हुए हैं, तो हमें पीछे देखना चाहिए, हमारे पीछे जो लोग, उन्हें भी हमें आगे लाना चाहिए, उनका भी विचार होना चाहिए। जैसे कि शिक्षा है, तो शिक्षा में लोग आगे आते हैं, जो जो पढ़े लिखे हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ एप्लीकेशन करना है, कौन सी शिक्षा आगे लेकर हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या तत्सम विभाग में जाकर हम बड़े अधिकारी बन सकते हैं, या उपजीविका का कोई भी ऐसी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन ग्रामीण भाग के जो बच्चे हैं, तो वो पढ़ते हैं 10वीं 11वीं के बाद, तो उन्हें पता नहीं होता है कि हम किस फैकल्टी में जाकर पढ़े, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। फिर वो क्या करते हैं कि 10वीं 12वीं में एडमिशन करवा लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एमए पीएचडी करते हैं, और वैसे के वैसे ही 30 साल तक पढ़ते रहते हैं, ढोते रहते हैं पढ़ने का बोझ। और फिर जब परिवार की जिम्मेदारी आती है, तो अभी हमने 3-4 तहसील में गई थी, तो वहां पर ऐसा दिखाई दिया कि इंजीनियर हुए बच्चे हैं, पीएचडी हुए बच्चे हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी शादियां नहीं हुई, 30 28 30 साल के हुए हैं। तो ये भी तो समस्या आया है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं तो उनके उनको बेटी कोई देता नहीं, और वो सोच प्रगल्भ करते नहीं कि भाई हम 40 लोग अगर इकट्ठा आते हैं और कुछ राशि जमा करते हैं, एक आधी कंपनी बनाते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तो परिवार भी आगे बढ़ पाएगा। तो ये सोच हमें बढ़ानी है आगे, क्योंकि धम्म तो बुद्धा ने बोला है कि भिक्खु आप जाओ समाज में, जाओ धम्म भी बताओ, और उनको अच्छा जीवन कैसे जीना है ये भी बताओ, और अर्थार्जन कैसे करना है वो भी बताओ। क्योंकि जब तक हम युवा हैं, तो युवा होते ही हम अर्थार्जन अच्छे से करके अपने परिवार को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने परिवार को घर घर बार, और अपने भविष्य के बारे में हमें सोचकर, हम थोड़ी थोड़ी राशि जमा करके भविष्य के बारे में हमें रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये काम हम नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे पास 10,000 रुपए आया, हमने 10,000 रुपए खर्चा कर दे, कल अगर कोई महत्वपूर्ण काम आया तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो और लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो ये से परिवार में ना हो, तो इसलिए हम जब वर्तमान में जीते हैं, तो वर्तमान में ही हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, तो अपना परिवार तो बन गया, जैसे हमारे परिवार में 4 लोग आज जॉब पर हैं, हम 4 लाख रुपया कमाते हैं, इतना तो अपने परिवार को लगता नहीं है। उसमें से 10% अगर हम सोचते हैं कि 10 बच्चों को हम पढ़ाई करेंगे, उनकी पढ़ाई करेंगे, तो वो 10 परिवार आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इस तरह होता नहीं है समाज में, तो इस बात पर भी विचार विमर्श करना चाहिए हम लोगों ने। अब है कि हमारे बंधन, पारिवारिक बंधन बहुत सारे होते हैं, तो पारिवारिक बंधन से महिलाओं को हम आगे नहीं कर पाते, क्योंकि ईगो ईगो हमारे ईगो ईगो की वजह से परिवार में बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं कि शादी के बाद तुरंत ही टूट जाते हैं। तो बुद्धा ने बताया है कि एक आप छोड़ दो तो मैं आपके साथ हूँ, कोई भी हो, अहंकार छोड़ दो, आप ईर्ष्या करना छोड़ दो, आप झूठ बोलना छोड़ दो, कुछ भी एक छोड़ दो तो मैं आपके साथ हर बार मैं कहूंगा कि आप सुखी रह पाओगे। तो ये क्यों बता है, क्योंकि अगर एक अवगुण हम छोड़ते हैं हमारे इसमें से, तो सारे के सारे अवगुण कम होते जाते हैं। तो हमें परीक्षण भी करना चाहिए कि हमने दिन में कितने कुशल कर्म किए हैं, कितने अकुशल कर्म किए हैं, हमने आज बातचीत की है तो किस तरह की बातचीत की है। सोते वक्त हमें ये चिंतन अगर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम जो भी हमने निगेटिविटी हमारे इसमें है, तो वो बाहर निकालकर हमें अच्छी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि अब हम खुद को तो अच्छा करेंगे ही, परिवार में सुख शांति भी आती रहेगी। तो यही काम हमें करना है। स्कूल कॉलेजों में आज शिक्षा को बहुत ही नीचा स्तर दिया है, नीचा हो गया है, तो इस वजह से ग्रामीण भाग के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो 3 साल से तो शिक्षा बंद ही है, और उसके भी पहले परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। परीक्षाएं नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है कि गांव के बच्चे तो काम पे चले जाते हैं, मजदूरी के जाते हैं, क्योंकि उनके पिता माता बोलते हैं कि भाई परीक्षाएं नहीं है तो तुम काय काय के लिए स्कूल जाते हो, तो 4-5 दिन भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो टीचर्स हैं उन्हें रेडीमेड उत्तर देते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते 10वीं तक, तो उन्हें तो अपना नाम भी निकालना नहीं आता है। इस तरह की व्यवस्था है उन्होंने बनाए हैं, जो लोग आज राजनीति में हैं। तो हम लोगों को इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटीज हो, अपने कॉलेजेस हो, ताकि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल नहीं होगी, तो आगे वाली पीढ़ी को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं।
हम तो हमने अपना जीवन जी लिया है, हमारे बच्चों का भी जीवन, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो आएगी तो उसको हम क्या परोस कर रख रहे हैं, आज इस बात पर भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए। जैसे कि वी द पीपल, यह जो संगठन बनाया है इसके बारे में तो मुझे ज्यादातर पता नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने होस्ट बनाया इसलिए मैं और सबके साथ जुड़ने का मौका दिया, कटके सर ने और अपने विचार रखने का जो मौका दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। आप सबके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं 95 से मेरे थोड़े विचार मैं शेयर करना चाहती हूँ। 95 से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ जो कि विधवा परित्यक्ताएं महिलाएं हैं, उनके बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं। ये हम जब फील्ड में चले गए 95 में, तब तो महिलाएं भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। हम जब निकलते थे तो हमारे परिवार से ही हमें बोला जाता था कि क्या तू अपने परिवार का नाम क्या है, और उठाए दफ्तर की चल गए। हम चार बजे उठकर घर का खाना पीना बनाकर 6 बजे घर से निकलते थे और रात को 8-9 बज जाते थे। 18 घंटे हमने समाज के लिए काम किया है, तभी इतना सारा 15-20 साल में, 25 साल में गांव में जो परिवर्तन हुआ है, उस वजह से जो 40 महिलाएं हम निकले थे उन्होंने कर दिया है। तो आज जो महिलाएं जीरो थी, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनको समाज में परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता था, वो आज सम्मान के साथ जी रहे हैं, उनके घर बार है, बच्चे अच्छे से पढ़ पाए हैं, क्योंकि हमने आर्थिक रीति उनको, जब भूख अपनी मिटती है ना तो विचार भी प्रगल्भ हो जाते हैं, हम सुनने का भी विचार आता है कि हम सुने, कुछ सुने। अगर भूख हमारी पेट में खलबली मचा रही है और आप उसमें धम्मक के विचार बता रहे हो, आगे बढ़ने के विचार कर रहे हो, स्वतंत्रता बता रहे हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है जब तक हमारा पेट नहीं भरता है। तो हमने पहले वही काम किया कि उनको पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि मदद तो हम एक ही दिन में कर पाएंगे, मदद हम एक दिन कर पाएंगे, लेकिन दूसरे दिन अगर वो किसके सामने हाथ फैलाएंगे। तो हमने सोचा कि हाथ फैलाने के बजाय उनको कैसे पैसे कैसे कमाया जाता है ये सिखाया जाए, ताकि वो स्वाभिमान से जी सके। तो धीरे धीरे वो समाज में आगे बढ़ते हैं, बैंक जाते हैं, तहसील जाते हैं, किसी साहब से मिलते हैं, तो ठोकरे खा खा कर फिर महिलाएं बहुत कुछ सीख जाती हैं। आज तो इतना आगे बढ़ चुकी है कि हमें पीछे छोड़ दिया उन महिलाओं ने, इतना आगे बढ़ चुकी है महिलाएं गाँव की भी, जो अपने विचारों को अच्छे से रख पाते हैं, अपना परिवार अच्छे से संभालते हैं। 25 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो महिलाओं का विचार परिवार में नहीं लिया जाता था, जैसे कि खेती में क्या बोना है, बेटी की शादी कहाँ करनी है। अब तो बेटियां अपने अपना वर खुद चुन रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो रहा है। परिवर्तन के साथ साथ समस्याएं भी बहुत सारी उभर रही हैं समाज में, तो इस समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें इकट्ठा आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में देखिए आज कैसे परिवर्तन हो गया है, क्योंकि वो लोग 100 साल जो आज निर्णय लेते हैं या आज सोचते हैं, तो 100 साल बाद उसका क्या परिणाम होने वाला है ये सोचकर वो लोग काम करते हैं, तभी वो सक्सेस होते हैं। तो हमें भी इस तरह सोचना चाहिए कि जो हम आज काम कर रहे हैं वी द पीपल में, आज हम लोगों को जोड़ रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम अगर राजनीति में भी ना उतरे तो भी हमारा एक दबाव गठ तैयार हो जाएगा। किसी महिलाओं के ऊपर या बच्ची के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो हम सारे लोग दौड़ के चले जाएंगे, तो उसे सपोर्ट मिलेगा, तो शासन के लोगों को वहां आकर उसे मदद कर पाएंगे, वो लोग मदद कर पाएंगे, उस बेटी को हम न्याय दिला पाएंगे। तो इस तरह के जो भी है शिक्षा में प्रावधान है हमारे लिए, जैसे कि न्यायदान में प्रावधान है हमारे लिए, आप देखिए न्यायपालिका में भी 99% लोग वही हैं, तो हमें कहाँ न्याय मिल पाएगा अच्छे से, क्योंकि उन लोगों ने तो सारी सारी जगह हथिया लिए हैं। अभी तो सारे जो भी कंपनियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो गई है, जैसे कि बैंक भी अभी प्राइवेट कर रहे हैं, वो आकाशवाणी प्राइवेट कर ली है, LIC प्राइवेट कर ली है, सारी संस्थाओं को उन्होंने प्राइवेट कर लिया है, सारी बड़ी बड़ी जो भी है, रेलवे है, बस है, सब जो भी शासन ने चलाना चाहिए, शासन जब चलाता था तो बहुत बेनिफिट भी होता था और लोगों को सुविधाएं भी अच्छे से मिलती थी, लेकिन अगर प्राइवेट करेंगे तो वो अपनी मनमानी की तरह जिएंगे, मनमानी करेंगे, लोगों के ऊपर तो शोषण ही शोषण है। मंदिर बंद हो गई है तो उन्होंने और दूसरा मार्ग सोच लिया है पैसा कमाने का, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा और सत्ता दोनों अपने हाथ में अगर रहेंगी तो हम इन लोगों पे राज कर पाएंगे। तो जाति व्यवस्थाएं उन्होंने इतनी पक्की कर ली है कि झगड़े लगाते रहते हैं और वो अपना काम बना लेते हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख है लोग, सीखे पढ़े लिखे हुए भी हम समझ नहीं पाते हैं कि जाति में उलझाने की वजह से हम भी उनके पीछे चले जाते हैं। हमारे लोग भी IAS अधिकारी है कि उनको ट्रेनिंग देने जाते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई हमारे समाज के अगर 10 लोग हैं तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको बताए कि IAS अधिकारी कैसे बनाया जाता है, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन अपने स्किल का उपयोग पैसों के लिए अपना स्किल बेचेंगे, वहां से लाखों करोड़ों कमाएंगे, तो क्या करेगा भाई लाखों करोड़ों कमाकर,
क्योंकि जो भी अकुशल कर्म तू कर रहा है उसका तो परिणाम तो तुझे भी भोगना है, तेरे परिवार को भी भोगना है और समाज को भी भोगना है। क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि जो भी गद्दारी करेगा ना अपने अपने कौम से, तो उसे तो उसका फल मिलता ही मिलता है। इसलिए जो भी कर्म करना है सोच कर करना है। हमारा हमें इतना अच्छा स्वतंत्रता मिली है, नहीं तो आज हमारे क्या हाल होते? हम ना आपसे बातचीत कर पाते, ना आपको सुन पाते, ना हम आप लोग भी हमें सुन पाते। तो ये जो मौका हमें मिला है इकट्ठा आने का और काम करने का, कार्य करने का, तो हम देखिए, हम पत्रे के घर में रहते हैं, देखिए आप, तो 25 साल से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमने सोचा नहीं पैसा कमाने का, क्योंकि हमें इसी घर में समाधान मिलता है। छत चाहिए हमें सोने के लिए, एक पलंग चाहिए, और पैसा चाहिए हमें जीने के लिए, जो भी 2 वक्त की रोटी होती है। तो हमने आज तक 2,000 बच्चों को पढ़ाया है, जो गांव के हैं, जो किसानों ने सुसाइड किया है यवतमाल जिले में, उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं, उन बच्चों के लिए हम स्कूल चलाते हैं, हम SC बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, और तीन तीन स्कूलें खोले हैं। हमारी एबिलिटी नहीं है इतनी, हमने 3 एकड़ अपना, 5 एकड़ अपना खेत बेचा, उन बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। और समाज के लोगों को भी हम बोलते हैं कि भाई हमें थोड़ा थोड़ा डोनेट करें, ताकि उन बच्चों को हम खाने पीने की व्यवस्थाएं, कपड़ों की व्यवस्था अच्छे से कर सके, ताकि हम उन्हें आगे बढ़ा सके। तो ऐसे ही काम समाज के लोगों ने करना है। जिन अभी अभी सर ने बोला था कि हमने बुद्ध विहार बनवाया है, जो कि वीरेंद्र सर है, वीरेंद्र सर ने बोला था कि हमने बुद्ध विहार बनाया है, उन्होंने बुद्ध विहार बनवाया, बहुत अच्छी बात की, हमें बहुत खुशी हुई। वहां से धम्म कार्य भी चलाना चाहिए, वहां पे 10 लोग आप रखिए, 10 गांव में हर रोज उनको भेजिएगा, तो क्या होगा कि 10 गांव में धम्म भी फैलेगा और शिक्षा का महत्व भी उन्हें पता चलेगा। और उन्हें बताइए कि स्वतंत्रता से कैसे जिया जाता है, उन्हें उनकी उनके जो जो लोग दब दब के आज जी रहे हैं, उन अगर आप सातत्यपूर्ण काम करोगे, एक गांव में आप अगर 4 बार भी जाते हो और उन लोगों को इकट्ठा आकर, आपके ऊपर विश्वास निर्माण हो जाएगा, आपकी बात वो लोग सुनने लगेंगे। तो यही हमें करना है, लोगों को जोड़ना है। अगर हम लोगों को जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा कि हम पे वो लोग विश्वास करने लगेंगे और हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि हम तो उनके विकास के बारे में बता रहे हैं, ना कि हमें उनका पैसा चाहिए, नहीं सिर्फ उनका वक्त चाहिए। हम भी अगर वक्त दे रहे हैं उनको, तो वो भी धीरे धीरे हमें वक्त देने लगेंगे। गांव के लोग इकट्ठा होंगे, गांव में युवाओं का संगठन बनेगा, गांव में महिलाओं का संगठन बनेगा, गांव में लड़कियों का संगठन बनेगा, तो विचारों का आदान प्रदान होगा, तो उससे हमारा समाज आगे बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अगर काम करते हैं समाज के लिए, तो कुछ ऐसे भी युवक हैं आज जो पढ़े लिखे हैं पर घर पे बैठे रहते हैं, जो रिटायर हुए लोग हैं उनके पास तो बहुत अच्छा स्किल है। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर हम अगर ऐसा बनाते हैं जहाँ पे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का हम प्रशिक्षण दे सके, तो उससे क्या होगा कि समाज में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सीखेंगे वहां से, तो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना जीवन यापन शुरू कर सकते हैं। तो इस बात पे भी चर्चा करनी है, और अपने समाज को कुछ हमारा देन है, हमारी देन है, देना है हमें, तो वो हमारे माध्यम से दे सकते हैं, आप अपने माध्यम से दे सकते हैं। इतना ही मैं कहूंगी, अपने विचार रखने के लिए भी हमें आज वक्त दिया है, उसके लिए मैं सबका, आपने सब लोगों ने सुना भी है, अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो आप सब लोग मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं आपकी धम्मा बहन भी हूँ, तो इस पर विचार होना चाहिए। और जो भी दिशाएं हमें देनी है, समाज को देनी है, हमारे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को भी देनी है, तो सबके मानवता मानव हित के लिए काम करना है। इतना कहूंगी, मंगल कामना के साथ यही थम जाती हूँ। धन्यवाद जी सर जी। मनीषा जी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मैम की, रेखा रानी जी जुड़ी है। सुषमा सिद्धार्थ जी आइए, अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए। सुषमा सिद्धार्थ सुषमा सिद्धार्थ जी, चलिए मैं नेक्स्ट बुलाती हूँ सोनिया जी। सोनिया जी अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो सबको, जय भीम जी। जय भीम मैडम। हम सोनिया फ्रॉम भंडारा, और प्रोफेसर शाहरे सर है, उन्होंने हमें ग्रुप पे ऐड किया है और उनके माध्यम से हम यहाँ जुड़े हैं आज। एक मिनट मैडम, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं? ओके नहीं, कंफर्टेबल है तो कर लीजिए, ताकि हम आपको पहचानने के। जी 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 नॉट नाउ मैम। जी थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं, अपना परिचय दीजिए प्लीज।
आई एम सोनिया डोंगरे फ्रॉम भंडारा महाराष्ट्र, प्रेजेंटली वर्किंग एज अ लॉयर इन भंडारा मोदा एंड नागपुर, एंड प्लस आई एम एज अ सोशल एक्टिविस्ट वर्क इन भंडारा. मैडम आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप? नो, सेकंड टाइम. ओके ओके, तो आपको वी द पीपल का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? फर्स्ट टाइम जब हम जुड़े थे तब आदरणीय भंते जी का सेशन शुरू था, उसमें पंचशील की बात हो रही थी और किसी एक मैडम ने पंचशील को और डिस्क्राइब करके बताया था, तो दैट सेशन वाज गुड. कहने का मतलब महिला विशेष में आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं. हाँ, महिला विशेष में हम आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं. आप जुड़े रहिए, अभी 9 बजे हमारा जो वी द पीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जरूर सुनिएगा और अपना चैट बॉक्स में नंबर जरूर डाल दीजिए. थैंक यू मैडम, डेफिनेटली. थैंक यू, थैंक्स टू यू मैडम. कंचन वीर मैडम आगे चलिए. जी जी जी, और अपने यहाँ अपने साथ रेखा रानी जी जुड़ी है ना? जी जी, जी रेखा रानी जी, आपका परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं? जी सर, मैं एसपी परिहार बोल रहा हूँ. और ना जो नए साथी आते हैं उनका थोड़ा सा ना वेलकम किया करें, मतलब जब भी आए आपका स्वागत है, बहुत अच्छा बने रहे. आज कौन कौन आए हैं नए लोग तो मुझे तो, हाँ जब भी आए कोई बात नहीं, पुराने कोई बात नहीं है, नए आए तो उनको थोड़ा सा वार्म वेलकम करें. जरूर 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 सर. आप सभी को जय भीम. मैं रेखा पिथौरागढ़ धारचूला से, और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं क्योंकि मैं काफी मुझे समय हो गया इस समूह से जुड़े हुए, और मैं अभी एक समाज सेविका के रूप में भी यहाँ पर काम करती हूँ. धन्यवाद जी, बहुत अच्छा. थैंक यू रेखा. अभी मेरी आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले. जी मैम. जी मैं मनीषा. जी था, बहुत बढ़िया. जय भीम, जय भीम. थैंक यू, आप जुड़े रहिए, अभी 9 बजे कॉन्सेप्ट क्लियर होना है. जी मैम. थैंक यू, थैंक यू. और शायद सीमा थूल मैम भी जुड़ी है ना, तो उनका भी परिचय आज नहीं हुआ है सबके साथ में, तो सीमा मैम आप भी अपना परिचय दीजिएगा. और वी द पीपल आपको कैसा लगा यहाँ पर, तो आप जरा बताइए अपने विचार रखिए. हेलो. हाँ मैम. हाँ, मैं सेकेंड टाइम जुड़ी हूँ इससे और मुझे बहुत अच्छा लगा. पता नहीं, मेरी भी यही सोच थी कि हम लोगों ने कुछ तो ऐसा करना चाहिए और सबने इकट्ठा होना चाहिए. मेरी सोच भी थी, मैं भी ऐसा सोचते रहती थी. वैसे मैं हाउसवाइफ हूँ पर ऐसे भी नहीं हूँ कि सिर्फ घर के ही इसमें जुड़ी हूँ. मैं थोड़ा सा मैडम आपका माइक ठीक खुल गया. बोलिए. मैं ऐसा चाहती थी कि अपने बिहार वगैरह सब सके, भी अपन कुछ काम कर सके, अपने घर की बुक है वो अपन डोनेट कर सके वहां, तो दूसरे बच्चों के वो काम में आएगी. और ऐसे जो बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए उनको बहुत परेशानी होती है, तो उनको रहने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, ऐसा मैं बैठे बैठे सोचते रहती थी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो भी चालू हुआ, और मैं हर इसमें डालती थी कमेंट्स में जो भी अपन फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो मैं यही डालती थी कि हम लोग संगठित नहीं है, संविधान को खतरा नहीं है, खतरा हमारे आने वाले बच्चों को है, बच्चों को आगे बहुत तकलीफें झेलना है इन सब बातों के कारण. तो मैं सोचते रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जुड़ी हूँ, जुड़ी रहती हूँ रोज ही. जेंट्स का भी सेशन होता है तो मैं उसमें रहती हूँ. बस नमो बुद्धाय. जय भीम जी, बहुत अच्छा है.
जुड़े रहिए और अपने विचारों को भी व्यक्त करते रहिए और नई योजनाओं के बारे में भी सोचिए कि उससे हम सब महिलाओं को कैसे इकट्ठा किया जाए, विचारों का आदान प्रदान करके जो हमारी महिलाएं हैं पीड़ित उनको हम आगे कैसे ले जाए, इस बारे में भी हमें सबको सोचना है आगे। और अगली अपनी सदस्य होंगी अंजना गौतम मैम, है यहाँ पर जी मैम। हेलो जी, हाँ जी जी, बोलिए मैडम। बोलिए मैडम, आपका परिचय दीजिए मैम। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ मैडम, मैं मनीषा हूँ। अच्छा अच्छा जी, बोलिए मनीषा निगम मैम। या मैं अभी अब आपके साथ होस्ट कर रही हूँ, आपके साथ अभी वो नहीं आई है ना मैडम। अच्छा अच्छा, आपने अंजना गौतम जी को बुलाया था, अंजना गौतम जी। अंजना गौतम मैम, हेलो, विजयलक्ष्मी मैम, विजयलक्ष्मी जी। हाँ जी मैम, जय भीम नमो बुद्धाय जी। जय भीम नमो बुद्धाय जी। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट से अकाउंटेंट पे हूँ और मैं SC ST एसोसिएशन की डिवीजन सेक्रेटरी भी हूँ और मैं सेक्रेटरी होने के नाते मैं काफी कुछ संगठित रखती हूँ अपने सबको और कार्य, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यूट्यूब में सुधीर जी को देखती हूँ और वो जो बताते मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनके लिए उनको, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ जुड़ पाई हूँ। तो सुधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ जोड़ने के लिए। अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी थैंक यू। और कौन जुड़ा है तो अपना परिचय दीजिए। रश्मि सिंह मैम, रश्मि मैम, रश्मि मैम, हेलो हेलो मैम, नेक्स्ट को ले लीजिए फिर। हेलो हेलो, रश्मि मैम जुड़े हैं आप, अपना परिचय दीजिए मैम जरा। आवाज क्लियर आ पा रही है? हाँ हाँ जी जी मैम। विदा पीपल से मैं लगभग 4.25 महीने से जुड़ी हुई हूँ और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, अपने मित्रों रिश्तेदार परिवार के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुकी हूँ इस मुहिम में। और अपनी जो मेरा संघ था मातरम हमारी महिला संघ, हम सबका संघ था, वो सारी महिलाएं लगभग इस पर जुड़ चुकी हैं और जब भी कभी फिजिकल मीटिंग होगी तो सारी महिलाओं की जो है एक मेजोरिटी वो आपको सबको दिखाई देगी। और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप नए लोगों को लीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। जी मैम जी। हेलो, और कौन जुड़ा है और नए लोग आज, नए पुराने सभी लोगों ने आज परिचय देना चाहिए क्योंकि जो पुराने भी है तो नए लोगों को उनका परिचय नहीं है, तो सबने अपना अपना परिचय आज अगर दे तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे अगले विषय पर। सोनिया जी, एक्सक्यूज मी, यस यस, हाँ अभी लोग कम है तो मैंने कहा चलिए मैं भी अपना थोड़ा सा परिचय दूं नए लोगों के साथ में, थोड़ी सी वार्ता हूँ। मैं डॉक्टर कंचन लता रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ, बुलंदशहर में रहती हूँ। और देखिए वही बात है कि हम लोग के दिल में बहुत सारी बातें थी, हम बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे सब रहती है तो हम वो सब कुछ कर नहीं पा रहे थे। और कितना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला कि हम घर में बैठकर घर की दहलीज के अंदर भी बैठे हैं फिर भी हम सारे दायित्वों को निभाते हुए आपस में मिल पा रहे हैं, है ना। ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम जो चाहते हैं वो करने में हमें एक रास्ता मिला है, अपने जो करना चाहते उसको करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं आपस में और बहुत सारी जानकारियां हम आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं जी मैम। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा, मेरा निवेदन है कि जो नए लोग हैं या फिर सभी लोग वीडियो ऑन रखें ताकि हम अच्छे से रूबरू हो पाए एक दूसरे से, है ना। पहचानने का मतलब क्या, पहचानेंगे नहीं
सिर्फ नाम से जानेंगे तो थोड़ा चेहरा भी देखी तो हम लोग पहचान पाए एक दूसरे को ना, कहीं अनजान जगह मिलते हैं हमें पता ही नहीं हम किससे बात कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अगर वीडियो ऑन कर ले तो विशेष परेशानी ना हो। थैंक यू जी, धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। सुषमा मैम आप जुड़ी है ना, सुषमा मैम, सुषमा सिद्धार्थ मैम, हेलो, ये नए लोग अभी आ रखे हैं इसमें काफी। हाँ कुछ लोग अपना म्यूट कर दीजिए, जो जिनको बात करनी है वो अपना ऑन लग सकते हैं, बाकी लोग म्यूट कर दीजिए तो घर की आवाजें नहीं आएगी, घर की आवाजें नहीं आएगी फिर। राजेश जी, राजेश मैडम जी अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज। राजेश्वरी जी, नेक्स्ट मोनिका जी, मोनिका जी। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ आप मनीषा जी बोल रही हैं? यस यस। अच्छा अच्छा, हाँ मैं मोनिका हैदराबाद से, असल में मैं इस समय हैदराबाद में नहीं हूँ, इन लॉज के पास आई हुई हूँ कानपुर, तो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो शायद आपको हमारा वीडियो नहीं आ रहा होगा, आप लोगों का वीडियो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हाँ तो बस इसलिए हम आपसे बात कर सकते हैं जी। हाँ मैं वैसे तो लखनऊ से हूँ लेकिन इस समय हैदराबाद में हूँ और अभी कानपुर आई हुई हूँ, और हम लोग हैदराबाद में मैत्री महिला संघ नामक एक संस्था है तो उसी से जुड़ी हुई हूँ मैं, और हम लोगों का काम करने का एक ही उद्देश्य है कि जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि किसी भी समाज की जो प्रगति है वो महिलाओं पे निर्भर करती है, कि उस समाज की महिलाओं को देख करके कि महिलाएं कितनी शिक्षित हैं तो समाज की, उस समाज की जो है तरक्की पता चलती है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग जो है महिलाओं के लिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं को शिक्षित कर सकें या किसी भी बारे में अपने समाज के बारे में बता सकें, बाबा साहब के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में, तो हम लोग की यही कोशिश रहती है जी। जी मैम बहुत अच्छा जी। मोनिका जी आप हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड हैं यहाँ पे CSIR का, IICT करके है आपका लखनऊ में, जैसे NBRI, CDRI है और दिल्ली में भी, इनके ऑल ओवर इंडिया 40 लैब्स हैं, तो हैदराबाद में CSIR का है IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और वहीं पे एक और है CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जहाँ पे DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है, शायद आप लोगों को पता होगा, तो उसी में ही मेरे हस्बैंड हैं और मैं भी वहीं पे हूँ, पिछले 25 साल से हम लोग वहीं पे हैं। बहुत अच्छा, मैडम जी थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, मैं आप लोगों की आवाज सुन सकती हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि हम दिखाई नहीं दे रहे, आप भी हमें कोई नहीं दिखाई दे रहे, हमारे आप लोगों को कोई भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ आप सबकी आवाज जरूर सुनाई दे रही है और मैं जरूर सुनूंगी ये प्रोग्राम जो है जी। हाँ नंबर चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिए जी जी जी। हाँ जी जी जी। हाँ जी हाँ, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, साधुवाद। थैंक यू थैंक यू। सरवन देवी जी, सरवन देवी रावण देवी, सोनिया जी भी नहीं है, लता परिहार मैम होगी, हम सुन रहे हैं लता मैम, सीमा मैडम सुन रहे हैं। हाँ हाँ जी, अपना परिचय दीजिए मैम जी। आज मैं सरवन देवी, जय भीम बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा जी। हाँ जी, मैं राजस्थान जयपुर जयपुर से जी, और अपन लोग सब मिलके इस प्लेटफॉर्म पे चल के सभी लेडीज इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, और सबको मिलके आगे करना ही चाहिए जी, जरूर जरूर, और सब को बचाने के लिए जितना अपन से हो सके सभी को मिलजुल के काम करने चाहिए जी। ये तो हमारा, हम समझो आगे बढ़े हैं लेकिन हमारी जो महिला, हमारी जो बहनें हैं तो उन्हें उन्हें हाँ उन्हें साथ लेकर चलना हमारा दायित्व बनता है, एक सामाजिक दायित्व बनता है। हाँ जी, तो हाँ जी जी मैडम, अपना नंबर चैट बॉक्स आपसे मिलकर अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हाँ जी, ओके
थैंक यू मैडम। नेक्स्ट वाला जी आ चुके हैं, मनीषा निगम जी। जी जी सर। ये बहन है डॉक्टर तीरथ बालाजी आ गए हैं। आ गए हैं तीरथ बालाजी जी, बिल्कुल अपने वेलकम आपका तीरथ बालाजी। आपको एंकरिंग करनी है, आप आइए प्लीज। थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू। आप जिम्मेदारी आप संभालिए। हाँ जी, हाँ जी, वो जय भीम टू ऑल, सभी सम्मानित साथियों को। और जैसे मेरा गायनी का काम है तो थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल से फ्री होते होते लेट हो गई, माफी चाहूंगी उसके लिए। कोई बात नहीं मैम। हाँ जी, मुझे मैसेज मिला था कि मैंने एंकरिंग करनी है, नो प्रॉब्लम, नाउ आई एम फ्री। तो अभी हम देख लेते हैं किसी का हैंड रेज। एंड्रेज के लिए आप बोल दीजिए, कॉल कीजिए, जो करता है ठीक है, नहीं तो आप ना नए लोग जो नाम लिस्ट में है आप उनसे देखकर उनको बोल सकते हैं। हाँ जी, सभी बहनों से है गुजारिश कि वो जरूर अपना हैंड्रेज करें ताकि हम उनका नाम ले सके। मैडम 50 वो हो गए हमारे, तो अब ये सोनिया जी ने हैंड्रेज किया। हाँ जी सोनिया जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सोनिया जी। थैंक यू मैम, वेलकम। हमारा आज का ये पहला सेशन है जो हम अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म दिया है वो किस लिए और क्यों, पहले तो ये हम समझना चाहेंगे। जरूर। अभी आप बस यही कहना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मैडम इंट्रोडक्शन पूरा दीजिए, अभी 9 बजे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको उसमें सब कुछ बताया जाएगा, ये क्यों बनाया है, किस लिए है, या इसका उद्देश्य क्या है, आपको सब पता चलेगा अभी 9 बजे। और आप तब तक अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ पर हो, क्या करते हो और जो भी है प्लीज। ओके, हमने पहले भी दिया है, फिर से दे रहे हैं, बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो गया इनका, दोबारा दे दे। कुछ साथी नए जुड़ते हैं ना, जैसे अभी मैं भी तो है ना, कई बार हमारा नहीं इतने साथियों में, हमें आप दोबारा से दे दीजिए प्लीज। ओके मैम, आई एम सोनिया फ्रॉम भंडारा महाराष्ट्र, प्रेजेंटली वर्किंग एज अ लॉयर, और लास्ट 5 इयर्स आई एम वर्किंग इन भंडारा एज ए सोशल एक्टिविस्ट विथ स्टूडेंट विंग्स और ऑल विहार्स आल्सो। बहुत बढ़िया। उद्ध विहार समन्वय समिति मराठी में नाम है, इस संगठना के साथ जुड़कर हम काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा मैम। प्रीएम्बल हो गया क्या, प्रीएम्बल करवा लो इनसे। अब सर अभी बस अब टाइम हो गया है तो अब इनसे, या वो अगर वो अनुबोध है ना, वो स्टूडेंट है, अगर उसका अगर वो आ जाती है तो लाकी स्टूडेंट है शायद। अभी अनुबोध का लिस्ट में कहीं नाम नजर नहीं आ रहा है। और अगर सोनिया आप प्रीएम्बल पढ़ना चाहोगे। तो एडवोकेट है इनको तो सोनिया जी, तो सर वो अनुबोध जी भी नहीं आए हैं। ये हमारे भारत के संविधान है, ये उसकी ताकत है कि आज हम लोग आपस में इस तरह से इतनी स्वतंत्र होकर बातचीत कर पा रहे हैं। यह संविधान, हम संविधान के आभारी हैं, हम बाबा साहब के आभारी हैं। हम संविधान की उद्देश्य का आपको पढ़कर सुनाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐसा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करती हूँ। जय संविधान। जी मैडम, अब आप अपना इंट्रोडक्शन आगे बढ़ाइए। जय संविधान। जय संविधान। मैम आगे बढ़ाइए इंट्रोडक्शन। अभी किसका हैंड रेज नहीं है? वो बाकी जो नए हैं बाकी वो ले लीजिए। विजय लक्ष्मी का हैंड रेज है। विजय लक्ष्मी का बुलाएं सर, उनका इंट्रोडक्शन हो गया उनका। तो हैंड रेज क्यों कर रही है? अच्छा। सोनिया जी का। ये श्रवण देवी कोई है? देखिए कोई नहीं है क्या? श्रवण देवी मैं हो गया उनका। योगेंद्र कुमार जी के नाम से कोई जुड़े हैं? योगेंद्र कुमार जी कृपया अपना माइक करें। मैं मधुरा मेरठ से हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो फ्यू। जय भीम। और मैं हमेशा ही से सुनती से विदा पीपल से जुड़ी रहती हूँ। बीच में तो तबीयत मेरी थोड़ी खराब हो गई थी तो उसमें सुन नहीं पाई और अटेंड नहीं कर पाई। ऐसा मेरा प्रॉपर रहता है, प्रॉपर चैनल से जुड़ी रहती हूँ और वर्क भी करती हूँ, लोगों को जुड़ने जुड़ने का भी काम करती हूँ और इसमें मैं स्पोक भी हूँ मैम। और ये जो है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ज्ञान का परंपरा भंडार भरा हुआ है। यहाँ पर तो आकर के बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है। खासकर जो कंसेप्ट होता है वो तो इतना जबरदस्त होता है कि उसमें तो अपरंपार ज्ञान ज्ञान होता है। बहुत अच्छी ये प्लेटफॉर्म है मैम, यहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर जुड़ना भी चाहिए। और जो इसका एक मेन मोटो है कि जुड़ने की जिद और जोड़ने की, उसे कहीं ना कोई पूरा करना है और हमारी पूरी कोशिश रहती है। मैं और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ, बहुत लोगों को बताती हूँ, जोड़ा भी है कई लोगों को। और मेरी यही निरंतर प्रयास रहेगा मैम कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ू, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाऊं ताकि सभी लोग एक झंडे के नीचे एकजुट होकर आए और अपनी ताकत का भी एहसास सभी को कराए। साथ ही साथ में जो भी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कम से कम आवाज उठा सके और आने वाले जनरेशन को एक नई दिशा और एक नया दिशा निर्देश दिए जा सके। जय भीम। मैडम आपने अपना क्या नाम बताया था? मेरा नाम मधुरानी है, मेरठ से हूँ और मुझे जो है मैं योगेंद्र सर है उनके थ्रू जुड़ी हूँ। हापुड़ से है वो मेरे नंदोई है जिया जी मेरे। मैडम नाम आप यही पर आए हैं? मैडम ना अपना ना फोन नंबर चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। ओके थैंक यू। जय भीम। उदय मैम। जय भीम। कोई और साथी जिनका परिचय रह गया हो? अर्चना गौतम मैम ने परिचय दिया है क्या? नहीं अभी नहीं हुआ मैडम। हाँ तो अर्चना गौतम मैम अपना परिचय दीजिएगा प्लीज। हेलो मैम आप जुड़ी है ना? अर्चना मैम जी। हाँ जी हाँ जी मैम जुड़ी जी। मैम अपना परिचय दीजिए। हाँ जी मैम, सभी सभी पर्वत साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं तो लगभग 3-4 महीने से लगातार मीटिंग से जुड़ रही हूँ और अच्छी तरह कंसेप्ट को समझ गई हूँ। और महिलाओं को अभी दरअसल मैं महिलाओं को फोन ही कर रही थी इसलिए जल्दी से उठा नहीं पा रही थी। अच्छा, अभी दो हाँ रोज कंसेप्ट वो भेजते हैं लिंक, लेकिन वो अभी खाना बना रहे हैं, अभी खाना खा रहे हैं, बाहर बहुत होते हैं लेडीज के पास में।
और लगभग पिछले 15-20 सालों से महिलाओं को जागरूक करने का काम में लगे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। यही अपना इंट्रो है और मेरे दिन को रोज सुनते हैं, रोज ज्वाइन करते हैं, आगे भी अब बहुत अच्छा मैम अभी और जी 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 मैम जी हेलो, मेरा इंट्रोडक्शन रह गया है। मैं डॉक्टर सुबेदार। वेलकम मैम। वेलकम सर। ये सर है मैडम, सर है ये। सर है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं। चलता है। देख नहीं रहा है क्या? तो हाँ जी। आज महिलाओं का है ना। मैं शुरू करूं? जी, अपनी बात रखिए। मैम संध्या रानी गौतम जुड़ी है पहली बार आज। सुबेदार सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर आइए आइए प्लीज, वेलकम सर। मैं डॉक्टर स्वामी जयबीम। मेरा भी सफल नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल आवाज मैं सुन रहा हूँ, शायद आप लोग सुन रहे होंगे। जयबीम नमोबुद्धाय सर, मोस्ट वेलकम। नमोबुद्धाय जयबीम सभी लोगों को। मैं आज पहली बार जो है मुश्किल से काफी प्रयास के बाद जुड़ पा रहा हूं आप लोगों से। मैं डॉक्टर सुबेदार, मैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड होने के बाद मैं यही लखनऊ बलरामपुर हॉस्पिटल में अभी एसोसिएट हूं और लखनऊ में ही रह रहा हूं। और मैं भी जो है सोशल एक्टिविटी से जो है काफी जुड़ा रहता हूँ और आज जो है मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। डॉक्टर स्वामी साहब ने जो है काफी मतलब प्रयास किया, उसके बाद कहीं मैं आज जो है आप लोगों से जुड़ पाया हूँ और मैं जो है कंटिन्यू आप लोगों से जुड़ा रहूंगा जी। धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम डॉक्टर सुबेदार। वेलकम सर। मैडम का परिचय डॉक्टर सुबेदार सर। यस यस प्लीज। हाँ सर, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप पहली बार जुड़े, वो भी आज महिला विशेष के दिन। डॉक्टर स्वामी जी ने पकड़ लिया। पकड़ने की बात नहीं, मैं जो है दो तीन से प्रयास रह रहा। ये तो सर आपने कहा ना कि मैं वीडियो या जो है माइक्रोफोन जो है डिस्टर्ब कर रहा था। डॉक्टर साहब ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं खुद के, उन्होंने डॉक्टर स्वामी ने मेरे को घेर करके आज जो है। बिल्कुल डॉक्टर स्वामी का इसमें योगदान है और उनकी वजह से मैं जुड़ पा रहा हूँ। सभी बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप मैडम से भी इंट्रोडक्शन करा दीजिए। आप आए सर, बहुत अच्छा लगा, आते रहिएगा सर। मैडम थोड़ा बिजी है अभी, तो कल जो है इंट्रोडक्शन करवाएंगे उनसे। सर महिला विशेष तो आज ही होना। हाँ जी, आज जरूरी है। सर काम तो हमेशा होता रहता है, दो मिनट के लिए बुला लीजिए। अभी हमें लग रहा है डाउट है कि मतलब जो जुड़ पाएंगी कुछ ऐसा काम थोड़ी देर में। संध्या रानी जी के लिए मैसेज आ रहा है, संध्या रानी जी अगर हैं तो। हाँ जी जय भीम। मैं संभल जिले से हूँ। ओके। रजपुर ब्लॉक में टीचर हूँ। ओके। मेरे पापा जी ने मतलब ये लिंक मुझे सेंड किया था। अब वो मुरादाबाद में है, सिंचाई विभाग में रिटायर, मतलब बहुत बढ़िया। उन्होंने आज मुझे इस लिंक के बारे में बताया था तो मैंने ज्वाइन किया। अब आपसे मतलब तो अपना इंट्रोडक्शन तो हो गया। आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम आपसे लिखते रहे और आपसे बात करते रहे। जय भीम। जय भीम। संध्या जी, हाँ जी, इनसे पूछना था कैसे ये बाबा साहब के बारे में इन्होंने पढ़ा है, कैसे है, क्या वी द पीपल को कैसे ले रहे हैं, ये कैसा लग रहा है। संध्या जी आप बताए जरा। हेलो, बोलिए मैडम, बोलिए मैम। बाबा साहब के बारे में हाँ मतलब
उन्होंने इतना मतलब त्याग किया है हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग जो कुछ भी है आज उन्हीं की वजह से है आज यहाँ है। और लेडीज के लिए जो उन्होंने मतलब इतने संघर्ष हमारे लिए किए हैं, मतलब हम उनके बहुत मतलब दिल से आभारी हैं। और आज जो कुछ भी है आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं, उनके संविधान की वजह से हमें इतने मतलब बिल्कुल ठीक है, जो कुछ भी आज उन्हीं की वजह से हमें अधिकार अधिकार मिले, बहुजन समाज को हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं अधिकार भी मतलब जितने भी हैं मतलब हमारी कास्ट की वजह से या लेडीज की वजह से बहुत अधिकार मतलब उनकी तरह से उनकी वजह से आज हमें मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमेशा जुड़िए। और महिलाओं की मीटिंग महीने में 3 बार होती है, 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को। आपका बहुत बहुत जी जी। महीने में 3 बार महिलाओं की मीटिंग होती है, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख। जी 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 जी। और मेरी शादी भी मैडम बहुत धर्म से ही हुई थी। थैंक यू मैडम। ओके जय भीम मैडम। आगे भानु जी A20 करके जुड़े हैं, वो कृपया अनम्यूट करके अपना परिचय दें। भानु A20 करके है नंबर, एड्रेस क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भानु A20 सुन रहे हैं आवाज? आ गए हम आगे। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, मैं वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हेलो। हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं हम। मैं वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ रेल में नौकरी करता हूँ। नौकरी के सिलसिले में मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। एक्चुअली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। एज रेलवे में मैं एज डिविजनल पर्सनल ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। सर आपको लिंक ये कैसे मिला? आज जैसे महिला विशेष है ये दिन, तो अभी हैं आपके साथ actually, आपके मिसेज? एक्चुअली ये एक हमारा ग्रुप है, आपका अम्बेडकर चेतना करके एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप से मुझे ये लिंक मिला। ठीक है, यहाँ पे आप अकेले रहने के साथ में जैसे आपके फैमिली मिसेज या बिटिया है साथ में? फैमिली के साथ रहता हूँ, इसलिए मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी की शादी हो गई है और अभी रायपुर में है, लड़का है वो भी अभी पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैडम कर सकते हैं जो है अभी, मैं ये हम ये पूछ रहे थे कि मैम आपके मिसेज हैं अभी पास में? मतलब अभी नहीं है मैडम, एक जगह मैं दूसरी जगह पे हूँ, अगले मीटिंग में मैं जुड़ा हूँ। हाँ जरूर। मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, अभी जो मैं जो भी हूँ ये अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, अदरवाइज मैं कहीं बिखरा हुआ होता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये अंबेडकर की वजह से, अगर अंबेडकर नहीं होते तो हम शायद यहाँ नहीं होते। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मैं जुड़ के मुझे। बिल्कुल सर, यही बात हमने घर घर तक लेके जानी है, बहुजन समाज जैसे हम कहते हैं ना कि पे बैक करना है, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव, हम नुमाइंदे हैं अपने समाज के, और थ्रू रिजर्वेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये जॉब एजुकेशन सब कुछ मिला है, तो उसके साथ साथ एक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है कि हमने ये जिसको नहीं मिला वहां तक लेके जाना है।
तो पे बैक जैसे हम कहते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गांव को, अपने शहर को, अपने परिवार को, तो वो जो एक दायित्व है हमारे ऊपर वो अब हमने निभाना है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी मनुवादी सरकारें धीरे धीरे करके जो हक अधिकार बाबा साहब ने बहुत मेहनत से लेके दिए वो एक एक करके कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए वी द पीपल ये कहता है कि अब हमें जुड़ना चाहिए। जुड़ेंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो जुड़ने की जिद है, जुड़ना है और जोड़ना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत साधुवाद। एक्चुअली मैडम मैं जहाँ अभी फिलहाल रह रहा हूँ वहाँ बिल्कुल लोग 90% लोग करवा लीजिए भंते जी से, भंते धमदीप जी हैं, पंचशील करवा लीजिए थोड़ा उनसे भी। नन्नू जी आप बने रहे, आपका स्वागत है। आप दिल्ली होती है मीटिंग? दिल्ली होती है 10, 20 और 30 को महिलाओं की है, बाकी दिल्ली होती है, कल भी होगी, मतलब रोजाना यही टाइम यही होता है सब। ओके परिहार जी, भंते जी आए हुए हैं, भंते जी से भी जी, ये मैडम डॉक्टर तीर्थ बालाजी आप इनवाइट करें। डॉक्टर तीर्थ बालाजी भंते जी को धमदीप जी हैं, उनसे पंचशील के लिए निमंत्रण दीजिए उनको, भंते जी को। ठीक है भंते जी, प्लीज आप अनम्यूट करें और हमें पंचशील का ज्ञान दें। भंते जी अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज। हाँ भंते धमदीप जी, भंते जी, नहीं सुन रहे हैं सर। तब तक मैडम सुजाता बोध को कॉल कर लीजिए। सुजाता बोध जी, सुजाता बोध जी हैं अभी। सुजाता बोध जी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सुजाता बोध मैडम, बाकी जो कोई भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो वो हैंड रेज कर ले। जी हाँ जी सुजाता बोध मैडम, आपकी साउंड कम आ रही है। सुजाता जी आनी बंद हो गई है। हाँ जी मैडम, आप अगर आप जुड़े हैं तो थोड़ा तेज बोलिए, लाउड। या भंते जी भी मुझे मैम है, मुझे इसमें मुझे तो लिस्ट में नजर नहीं आ गए। अभी अभी आ गए हैं धमदीप जी, आ गए हैं। सर भंते जी पंचशील करवा दीजिए प्लीज। हाँ भंते जी, भंते जी अनम्यूट करें, अपने को अनम्यूट करें। भंते जी आपका फोन अनम्यूट नहीं है, आवाज नहीं आ रही भंते जी। चलो बाद में आएंगे भंते जी, अभी शायद नहीं है। हेलो हाँ भंते जी अनम्यूट करिए फोन। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आपका फोन अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो कैमरा भी ऑन हो। बोलिए डॉक्टर साहब जी। वंदा भी बनते हैं, वंदा भी बनते जी, बनते जी। पंचशील दीजिए, पंचशील दीजिए, पंचशील दीजिए सबको। बनते जी ओकात वंदा में ओकात त्रिश्रेण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयं पि ओकात हं भन्ते त्रिश्रेण से पंचशीलं धम्मं याचामि
पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कत्वा शीलं देत मे भन्ते भन्ते यमहं वदामि तं वदेत आं भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सबने बोलिए भंते जी की बात सबने बोलना है सभी उपासकों ने बोलना है उपासिकाओं ने बोलना है नमो भगवतो अरहतो नमो भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि भूतावादा देवं सुख
पदं समार्पयम् दुःखापदं समादयामि धम्मं साधुकं सुरक्षतं कक्षाय अप्रमादेन संपादे आं वन्ते साधु। धन्यवाद भंते जी, त्रिवार आभार। साधुवाद। भंते जी, भंते जी एक चीज क्लियर करना जी। चंद्र जी दम वाले दिन करा करो ये चीजें, आज महिला विशेष है, इनकी मीटिंग चलने दो। दम डे होता है, दो दिन दम के होते हैं, उस दिन करा करो ये सब चीजें। अच्छा ठीक है, ठीक जो क्लियर करना ना धाम वाले या फिर जीरो आवर में कई बार। नंबर ले लीजिएगा, नंबर कोई क्वेश्चनों का बाद में। अनु अनुबोध मैम जुड़े हैं क्या आज अभी? अनुबोध मैम, अनु मैम, हेलो, आप सुन रहे हैं क्या? जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है अनु मैम जी। हेलो मैम, आप सुन रहे हैं? अनु मैम आप सुन रहे हैं क्या? अनलॉक, उन्होंने बोला अनलॉक कीजिए, आपने अनलॉक कीजिए मैम जी। मैम सुजाता बौद्ध का पर्चा ले लीजिए, संबल से जुड़ी है चंदोसी जी। जी 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 मैम, जय भीम जय भीम। सुजाता मैम जी अपना परिचय दीजिए प्लीज। हेलो सुजाता मैम जी, उसका जो प्रॉब्लम है वो पहले भी पुकारा उनको, वो परिचय नहीं दे पा रही है। चलिए मैं बात करती हूँ सिंह साहब। हाँ बात करिए। ओके, कोई सदस्य हम में से रह गया हो तो परिचय दीजिए प्लीज, नए लोग होंगे तो, अगर पुराने भी होंगे तो सभी महिलाएं अपना परिचय दीजिए ताकि एक दूसरे को जान सके अच्छे से और आगे बढ़ सके हम बातचीत के लिए। हेलो जी। हेलो, थैंक यू मैम, मैं जय भीम, नमो बुद्धाय सभी के लिए। जी जय भीम मैम। हाँ मैं पुष्पा बौद्ध चंदोसी डिस्ट्रिक्ट संभल से काफी समय से जुड़ रही हूँ, लगभग दो महीने से ज्यादा हो गए। आप क्या करते हैं मैम जी, जरा अपना परिचय हमें जी, पूरा मैं, 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 मैं टीचर हूँ, है टीचर हूँ। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल में। जी 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 जी। वी द पीपल, आपको ग्रुप कैसा लगा आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये संघ जो बन रहा है इससे मतलब हमारे सबके हित सुरक्षित होंगे इसमें रह के, और हमें बहुत ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है। काम तो लोग कर ही रहे थे पहले से, अभी कर रहे थे, लेकिन सब अलग अलग रूप से कर रहे थे। जी जी जी। ये जो जो हमारी भारतीय संविधान की मूल भावना है उसके तौर पर ये काम हो रहा है, इससे बहुत अच्छे साधुवाद है जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने इस संघ को बनाने की कल्पना की होगी उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत अच्छी, तथागत बुद्ध के बाद में अभी ये संघ तैयार हो रहा है हमारा।
जी जी संघ की संकल्पना तो वैसे भी भगवान बुद्ध से ही ली है और बाबा साहब ने भी दिया है जी 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 और जो बुद्ध धर्म की न्यू भी है तो वो बुद्ध धर्म की जो न्यू है वो भी तो संघ के ही ऊपर है जी 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 आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। उपासक का संघ है, धम्म का संघ है, भिक्खु का संघ है, ये सारे लोग मिलकर ही आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें जैसे कि धम्म में ही आगे नहीं बढ़ना है तो शिक्षा को भी लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें हैं जिनके पास अभी शिक्षा पहुंची नहीं है, तो वहां तक भी हमें पहुंचना है ताकि वो भी इस प्रवाह में आकर अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके, है ना। और जो भी समस्याएं निर्माण हो रही है, पारिवारिक समस्याएं भी बहुत सारे लोगों को है, तो वो भी हम जैसे महिलाएं अगर आगे आएंगी तो वो अपनी बातें बोल सकेंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि 70% महिलाएं अपना जीवन जो है वो स्वतंत्रता से अपने परिवार में भी नहीं जी पा रहे हैं अभी तक, तो उनके विचारों को रखना आना चाहिए, उन्हें परिवार में बताना चाहिए कि उन्होंने भी कि वो बता इस तरह का। जी 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 हेलो जी 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 सभी आज की जूम मीटिंग में सभी सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। और किसी विद्वान ने कहा है कि जब किसी भी काम को अगर 100 पुरुष करते हैं मिलके तो वो उतना कामयाब नहीं होगा, 10 महिलाएं भी अगर उसको करती हैं तो वो प्रोग्राम बहुत सफल होगा, बहुत कामयाब होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं, हमारे सब इतने अच्छे जो प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब लोग आगे आ रहे हैं, तो इसके लिए तो कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। मैडम संगीता गौतम जुड़ी हैं आप? हाँ, अच्छा 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 संगीता गौतम, संगीता गौतम सुन पा रही है? हाँ जी, अपना परिचय दे। संगीता गौतम मैडम, मैम आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो हेलो मैम। हाँ जी सुन पा रहे हैं। हाँ आप परिचय दीजिए मैम। हाँ जी, मेरा नाम संगीता गौतम है, मैं जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और चंदौसी से हूँ मैम, संबल डिस्ट्रिक्ट। जी बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत साधुवाद संगीता जी। अपने बारे में और बताइएगा मैम जी। जी मेरे हस्बैंड भी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, मनोज कुमार जी हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो काफी समय से जुड़े हुए हैं। मैं तो आज ही जुड़ी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छा ने बताया कि आज महिला स्पेशल है कि आप भी जुड़िए, मैंने कहा ठीक है आज महिला स्पेशल है तो थोड़ा स्वागत है संगीता जी महिलाओं से ही। जी जी हेलो मैम, स्वागत है। जुड़े रहिए और अपनी जो सहेलियां हैं, जो टीचर्स हैं आपके आजू बाजू में हैं, तो उनको भी अपने साथ जुड़िए। और जैसे कि आप रोज नहीं भी समझो आप आओ तो फिर एक दिन बाद भी आप आई तो समझो विचारों को अपने रख सकती हो, और जो ग्रुप के हैं सारे सदस्य उनको भी सुन सकती हैं, आप उनके विचारों को भी सुन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, थैंक यू मैम। मैम सुजाता बहुत जी का हैंड रेज है, उन्हें बुला लीजिए। हाँ सुजाता जी का तो हो, सुजाता बहुत जी। हेलो। हाँ जी जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय मैम। मैम थोड़ा नेटवर्क इशू है, इस चक्कर में मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, नेटवर्क इशू तो आवाज ब्रेक हो रही बार बार। हेलो बोलिए बोलिए, सही आवाज आ रही है आपकी? बोलिए सुजाता, सही आवाज आ रही है, बोलिए सुजाता। हेलो आवाज पहुंच रही है हम तक? हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी मैम मेरा नाम सुजाता गौतम बौद्ध है,
और मैं चंदोशी से हूँ, चंदोशी संभल। और मेरा एलएलबी कंप्लीट हो चुका है, नाम परसिंग एलएलएम एंड हेलो जी मैम, सुन रहे हैं हम, आप बोलते रहिए। सुजाता आवाज आ रही है, वीडियो ऑन कर लो सुजाता। हेलो हाँ आवाज आ रही है, हो पा रहा है, वीडियो ऑन कर लो। लग रहा है जो आवाज जा रही नहीं जा रही है, आपकी आवाज हमें आ रही है। नेक्स्ट ले लो ना। अच्छा नेक्स्ट अनु मैम, आपका परिचय दीजिए। और एक पंजाब से, और उसके बाद ज्योति मैम जी आप भी देना परिचय, उसके बाद अनु जी आप परिचय दीजिए। जी एक अनुबोध और एक वीरेंद्र सिंह है पंजाब से, लुधियाना से, तीर्थ बाला जी इनके उससे। हाँ जी जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी सम्मानित साथियों। मैं अनुबोध अनु, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। और मैं वैसे बीकॉम बीएड भी हूँ और टेट सीटेट क्लियर है मेरा, बट मैं गवर्नमेंट टीचर जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये बेस चुना। और कुछ बोलूँ? अच्छा। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, हाँ जी, किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? जरूर नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, बोलिए जी। मैं देखती हूँ कि आज भी हमारे समाज की लड़कियाँ आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं, उनको इतने राइट्स मिल रखे हैं। आज मैं देखती हूँ कि उन लड़कियों को जो बाबा साहब के मतलब हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग बाबा साहब ने इतने राइट्स दिए, उसकी वजह से आज या घर से मतलब जमीन स्तर से मतलब गाँव से आके आज शहर में पढ़ रही है। जब हमारे समाज की महिलाएं जब पूजा पाठ के लिए निकलती हैं, देख के बहुत हार्ट होता है कि हमारे समाज की पढ़ी लिखी बहने ये सब कर रही हैं, उनको समझाते हैं समझ नहीं आता है, और जो पढ़ी लिखी नहीं है उनका क्या आलम होगा। और वैसे भी मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे घर में महापुरुषों का इतिहास होना चाहिए। अगर हमें कोई इस तरीके से बताता है ना महापुरुषों के बारे में, तो उतना समझ में नहीं आता है जब तक हम महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। जब हम महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे, जब हम संविधान पढ़ेंगे, जब हम अपने राइट्स पढ़ेंगे, हमें जितने अधिकार मिल रखे हैं सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी में और संविधान में जितने राइट्स हैं हम महिलाओं के लिए, जब मुझे अपने राइट्स पता होंगे तो हमारे समाज की महिलाएं अगर जिधर भी निकलेंगी ना, अगर कोई घूर के भी देखता है ना, उसके लिए भी आर्टिकल है। तो हमारी मजबूती हमें मतलब पढ़ना होगा, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे मतलब जो ग्रंथ हमारा संविधान ही है एकमात्र, उसको पढ़ना होगा। और हमारी समाज की बहनों को और महिलाओं को आज ये नहीं पता है जो पढ़ी लिखी हैं कि संविधान के कितने आर्टिकल हैं, बट उनको जितने भी पूजा पाठ वाला जो भी पूछ लो सब पता रहता है। और हमारे समाज की पढ़ी लिखी बहनें आज इस तरीके से इस चीज में उलझी हुई हैं, और मैं अक्सर देखती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ लखनऊ में रेंट पे रह रही हूँ, और वो भी डॉक्टर मुरलीधर सर के मकान में रह रही हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। नीचे एक लड़की रहती है, वो ठाकुर जाति से है, मुझे गेट पे खड़े होके और चमरिया चमारिन बोल आवाज रही थी। हेलो आ रही है, आ रही है आवाज, बोलिए आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं अक्सर दर्द झेलती हूँ। मैं लखनऊ में जब रूम देखने के लिए गई थी और मैंने रूम देख लिया था, पैसे की जब मतलब पैसे की बात हो गई, रहने की बात आई, तो किसी के सर पे तो नहीं लिखा होता है कि मैं चमार हूँ या फिर चमार का स्टिकर लगा के तो नहीं घूम सकते हैं। तो बोले कि मैं शेड्यूल कास्ट जैसे लोगों को, चमार डोम पासी जैसे लोगों को मैं रूम नहीं देता हूँ। और हमारे साथ में एक पत्रकार थी और हमारा भांजा भी था, तो उस टाइम मुझे बहुत हर्ट हुआ था। आज मैं अपने समाज के मकान में रह रही हूँ, चमार के मकान में रह रही हूँ, और चमार के मकान में आज एक ठाकुर लड़की रह रही नीचे, और मुझे मतलब गेट पे खड़े होके बोलती है कि चमार चमारिन, और आके हमारे मतलब ऑब्जेक्शन करती है, हमारे रूम में बाबा साहब लगे हुए हैं, संविधान भी रखा है। और उससे मैं एक दिन बहस कर रही थी, तो मैंने बहस नहीं की, हमने कहा कि मुझे बहस नहीं आप जैसे लोगों से करना है, बट आप जो कर रहे हो वो करो जाके।
तो अक्सर मुझे ताने मारती है कि चमार चमारिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आज किराए के मकान में रहकर नहीं कुछ कर पा रही हूँ कि कल को डॉक्टर साहब ये बोलेंगे कि आपने यहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़ा जैसा कर दिया। आज भी मुझे दर्द मिलता है कि मतलब आज भी हमें कोई अगर चमार चमारिन कहता है ना, यहाँ पे हार्ट होता है बहुत ज्यादा। मैंने बचपन से जात सूचक शब्दों का लोगों को कहते सुना है और मैंने बचपन से वो दर्द झेला है। मैं इसीलिए टीचर नहीं बनना पसंद करूंगी, मैं एक अच्छी वकील बनना पसंद करूंगी, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं समाज का काम करती हूँ, करती रहूंगी। और आप सब लोग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। हम सोचते हैं कि सभी लोग ऐसे इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और एक इस कारवा को आगे बहुत आगे तक ले जाना है, सबको एक मंच पे लाना है और जो वी द पीपल है एक बहुत बड़ा संगठन बनाना है जिससे अच्छे अच्छे लोग कांपने लगे कि हाँ कोई संगठन में ताकत है, इसको एक संगठन का रूप देना है। और हम सारी बहनें मिलके और जितने सारे लोगों ने ये संगठन बनाया है सब मिलके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए और अपनी लड़ाई इसी तरीके से हम लोग लड़ते रहें। जैसे कि सभी अपना काम रोज करते हैं वैसे वी द पीपल भी अपना काम रोज जारी करती है, ऑनलाइन रोज ऑनलाइन जुड़ते हैं, सभी साथी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी समय निकाल के इतना थके होते हैं, सारे जॉब वाले ज्यादातर मैं देखती हूँ होते हैं, फिर भी उनको एक जुनून है, उनको एक जोश है समाज में काम करना है और उनके अंदर एक जुनून जज्बा है, तभी तो आज वो 2 घंटे 3 घंटे समाज के लिए निकाल के दे रहे हैं। इससे से हमारे समाज में बहुत बड़ी क्रांति होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी सम्मान्य साथियों, साधुवाद अन्नू जी, बहुत बहुत साधुवाद। बेटा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं इसी वजह से वो लड़की भी आज हम सबके बीच में आकर रह रही है, तो उसने भी बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते ना तो वो पढ़ भी नहीं पाती। मैं बोलती घर में, मुझे बहुत गंदा लगता है जब मुझे चमरिया चमारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। घर में बैठकर वो बाटी बना रही होती और खिला रही होती। मैडम प्लीज एक मिनट। सर आपने इसमें अभी आज ज्योति ढोरे मैम भी जुड़ी है शायद। मैडम एक मिनट सर, मैडम एक मिनट सर, मैडम एक मिनट। लखनऊ से काफी डॉक्टर्स हमारे हैं साथी जो हमारे वीदा पीपल का हिस्सा हैं। जी जी जी। तो मैं इस बेटी से कहूंगा कि अपना उसमें मोबाइल नंबर डाले चैट बॉक्स में, और जो डॉक्टर यूएस लाल है, डॉक्टर स्वामी लखनऊ में है, तो इस बेटी को, हाँ तो बेटी तुम उनसे हेल्प लीजिएगा और उस घर को छोड़ दीजिएगा। घर जो है डॉक्टर मुरलीधर है वो भी अपने समाज के एसपी है, चमार है। हमने उनको बताया था कि वो मतलब मुझे चमारिन बोल रही है, चमरिया बोल रही है, और वो भी गली में खड़े होकर मुझे बोलती है। तो अब हमने उसे बोला था आप कुछ चमार के मकान में रह रहे हो इस तरीके से बोल सकती हो, मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, मेरे मकान मालिक जो है ऐसी समाज के लेकिन समझते हैं हर चीज। अभी लॉकडाउन में मेरा किराया नहीं हम दे पाए थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं लिया, बहुत अच्छे इंसान है वो, बट वो यहाँ रहते नहीं है। मैडम उनसे बोलिए ना कि वो उस ब्राह्मणी से कमरा खाली कराए। जब भी आते हैं उल्टा सीधा कोज मारती रहती है नीचे, और मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। नहीं, आप लड़ना नहीं है, आपने पढ़ना है और कुछ बनना है, आपने अभी लड़ाई नहीं करनी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी। आपने लड़ना नहीं है, अभी आपने अपनी रेगुलर पढ़ाई करनी है। मैंने तो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी जब हमें वो गाली दे रही थी। प्लीज आप लोग एक साथ ना बोले प्लीज, इस तरह से ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। लखनऊ में मुझे मंच मिलते हैं, जो मंच मिलते हैं मैंने कार्यक्रम किया है, बहुत सारे डॉक्टर बीपी अशोक हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग काम करते हैं सामाजिक काम कर रहे हैं। मैं हर कार्यक्रम में जाती हूँ और बहुत बिहारों में भी जाती हूँ, अक्सर मुझे मंच मिलता है, सामाजिक मंच मिलता है। अभी MP ग्वालियर भी गए थे और वहाँ पे डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी आई हुई थी और उनके साथ भी हम एज यू चीफ गेस्ट इनवाइट थे, गए थे। कार्यक्रम भी अटेंड करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, समाज के लिए काम करते हैं। और महीने के 2 संडे हम समाज के लिए देते हैं, जा जाके कैडर भी करते हैं गांव में, जाके अपना अपना भी भाड़ा किराया सब लगा के जाते हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए, ऑलरेडी लगे हुए हैं। आप समाज से जुड़े रहिए और
जो भी जानते हैं डॉक्टर बीपी अशोक को, जानते हैं डॉक्टर बीपी अशोक अच्छे से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर बीपी अशोक। मनीषा जी, मनीषा बहन जी, जी भाई अनुबोध जी, आपको किसी ने चमार कह दिया, चमारी कह दिया, तो दिक्कत क्या होगी इसमें? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आप पहले एक प्रश्न, ये सभी के लिए प्रश्न बहुत जरूरी है, आप सारे जरा एक बार शांत हो जाएं। आपको किसी ने चमार कह दिया, आपको क्या परेशानी हुई, मैं ये पूछना चाह रहा था, और क्यों हुई? आप चमार का, आप चमार शब्द का मतलब, आप चमार शब्द का मतलब जानती हैं? हाँ मैं चमार मतलब जानती हूँ। किसने बताया आपको चमार के भी कई मतलब होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि नहीं, आप कहानी मत सुनाइए, चमार शब्द का, आप वकील बनने जा रही है तो एक प्रश्न का ही जवाब दीजिए, चमार शब्द का अर्थ आपको किसने बताया और क्या बताया? अरे वो सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं उस चीज में नहीं, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है। आपको किसने बताया और क्या बताया, कैसे आपको लगा कि ये बुरा शब्द है? ऐसे बोला है जैसे कि, तो इसमें है से हड्डी कहाँ गई? है से हड्डी पता नहीं। तो आप जब सोचती हैं, आप कार्यक्रम में जाती हैं, तो आपको ये चिंतन करना चाहिए और सभी को ये चिंतन करना चाहिए कि चमार शब्द पुराने साहित्य में नहीं है और नए साहित्य में भी बहुत बाद में आया है और अचानक आया है। इसका कोई लिंक नहीं मिलता, ये किसी किताब में नहीं मिलता, इसको जबरदस्ती लोग, कोई आपको बोलता है कि चमार है, और चमारी शब्द तो बिल्कुल भी बहुत बाद का शब्द है, चमरी शब्द और चमारी शब्द। दरअसल जो ये ओरिजिनल शब्द है इसका नाम है चीवर, अब चीवर नहीं बोला जाता, जो चीवरधारी लोग होते थे हमारे भिक्कू और भंते उनको जो बोला जाता था, और जो चीवरधारी लोग होते थे उनको चौधरी बोला जाता था। बाद में ये शब्द, चूंकि हम बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे और वो लोग हमारे आगे नतमस्तक होते थे और झुकते थे, और जब हमारी सत्ता चली गई और जब हम राजा सम्राट अशोक से लेके और आज की पोजीशन में आ गए, अब से 70 साल पहले जो बाबा साहब ने हमको उठाया था, तब लगभग 200 साल पहले के बाद में ये शब्द कहीं से आता है, जो चीवर अचानक गायब हुआ और चीवर का चमार बना। और ये अगर आप ओशो रजनीश की स्टोरी सुनोगे, उसके वक्त पे सुनोगे, तो वो भी यही कहता है कि चीवर से चमार शब्द बना है, चमार का कोई हिस्ट्री नहीं है, कहीं नहीं है, इसको आप ढो मत, इससे परेशान मत हो आप। सर परेशान नहीं होते हैं, ढो नहीं रहे, बट हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो चमार के नाम से ही है। आप कास्ट सर्टिफिकेट जो आया है वो, चूंकि जब प्रचलित शब्द जितने भी आए हैं, कास्ट सिस्टम पहले नहीं था, तो संविधान में उन लोगों को एक नाम देने के लिए, उनको फायदा देने के लिए ये बनाया गया है, मगर आप ना चमार है ना आप चमारी है, और हाँ। कास्ट अगर आप, आपके इसमें अगर ये लिख दिया जाए कि आप जापानी हैं, जापानी होने से फायदा मिलेगा, तो आप जापानी नहीं हो जाते हैं, आप भारतीय रहेंगे। ये हाँ। जो कास्ट सिस्टम बाद में, बहुत बाद में जाके बना है, तो संविधान तो अभी बना है, संविधान तो कितने साल हुए, 70 साल सारे हुए संविधान को, इसलिए संविधान में अगर ये जाति सिस्टम लिखा है तो वो 100% सच नहीं है। आपको अशोक के समय, बुद्ध के समय और बाद के समय उठा के देखेंगी तो ये शब्द नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी रखिए, इससे परेशान मत होइए, और कोई आपको कुछ कहता है तो उसको थैंक यू बोलिए कि आप उसको, उसने आपको इज्जत दी है, उसको बोलिए इस शब्द को सही करके इस्तेमाल करें, अब हमको चीवरधारी या चौधरी बोले। और कभी कभी चीवर पहन लिया करो आप ना, ऐसा नहीं है कि चीवर नहीं पहन सकते, कभी कभी चीवर पहन के 10 दिन के लिए आ जाया करो, तो आपको वो फीलिंग आएगी जो पहले थी। चलिए मनीषा जी, बहन जी आगे, मैंने 10 दिन की मेडिटेशन कर रखी है। आपने अगर कर रखी है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी कोई बोले आपको तो उसका धन्यवाद कहना, कहना भाई साहब हमको चौधरायन बोला करो या चौधरी बोला करो या तो मैं मैंने लड़ाई की ही नहीं थी, इसीलिए मैं आज नहीं, अगर आपके मन में, अगर आपने ये बात यहाँ कही, अगर आपने ये बात यहाँ जाहिर करी है, तो इसका मतलब है कि इस बात को लेकर आप घूम रही है, आपको कहीं दुख हुआ है, कहीं परेशानी हुई है, इससे दुखी और परेशानी होने की बचपन से सुनते आई हूँ ना, थोड़ा हार्ट होता है जब लोग बोलते हैं। अभी यहाँ पीसी गुप्ता ने बोला था अभी वो खंड में कि मैं डोम चमार को देता हूँ, या फिर वो लिखवा दे कि नीचे का हर्ट नहीं होना है, वो लोग तो आपको बार बार हर्ट करेंगे इसीलिए तो बोलते हैं ना, तो हर्ट मुझे लड़ाई धन्यवाद करना है, बात खत्म हो गई। अनुबोध आप जुड़ी रहे, आज आपको ना प्रियंबर के लिए बुलाया था हमने स्पेशली, इसलिए आपकी ड्यूटी भी लगाई थी, आप इसके साथ बने रहे, डेली आया करें जी, बिल्कुल आइडिया रखें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ बोले उस पे नहीं जाना, अपना काम करना है। आगे आगे चले मनीषा, अपने बड़ी बड़ी प्रियंबर लगी हुई है, ज्योति डोरे मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्लीज वो परिचय दीजिए।
मैम जी, ज्योति ढोरे मैम, ज्योति ढोरे जी, जी बोले पहुंच रही है। हाँ जी बोल विभाग में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में उपेन्द्र ऑफ करके बात करें जी। सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, जब बात करनी हो तो ही अनम्यूट कीजिएगा, सबको विनती है। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी मैम, मैं ज्योति दोनों, मैं सब इंजीनियर हूँ, पीएचई डिपार्टमेंट में। इस मंच पर क्योंकि ये महिला विशेष का एक जो आज पूरा ग्रुप आज है, तो यहाँ पर कई पुरुष भी जुड़े हुए हैं हमारे बीच, तो एक बात रखना चाहती हूँ मैं छोटी सी आपके बीच। हाँ हाँ बोलिए बोलिए ज्योति। हम लोग इस ग्रुप में जो भी सब लोग जुड़े हैं पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ पर मैं गालियों के संबंध में बात रखना चाहती हूँ कि जो बहन की गाली वो हमने मतलब दैनिक जीवन में हमारे मतलब डेली लाइफ में मतलब मजाक मस्ती के तौर पर भी हर जगह हम गालियों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके संबंध में एक कंपेनियन चलाना चाहती हूँ अगर आप लोग मेरा साथ दें तो। एक आर्टिकल भी लिख रही हूँ मैं न्यूज पेपर के लिए कि चाहे वो कितना भी प्रबुद्ध वर्ग हो, अनपढ़ से लेकर और आईएएस आईपीएस तक है ना, माँ बहन की गाली का प्रयोग करते हैं, कभी पिता और भाई की गाली के लिए क्यों उन्होंने प्रयोग नहीं किया। बहन जी मैं आपको इसमें जानकारी दे दूं कि शुरू बहन जी शुरू में जो हमारे भाड़क थे जो शुरू में हमारे भाड़क थे और गाड़क थे, जो गाड़क थे और भाड़क थे पुराने समय में पाली में वो लोग हुआ करते थे जो बुद्ध की बात को याद करते थे, किताबें तो थी नहीं और हम उनको कथा के रूप में बुलाते थे अपने घरों में, वो प्रचार करते थे बुद्ध की बातों का। तो भाड़क से भाड़ू बना और गाड़क से जो बना जो गड़क से बना वो गाली में यहाँ दे नहीं सकता, वो गाली पहले आदमियों की थी, बाद में जो हमारी महिलाएं थी जो खास तौर से सती पठान सीखा करती थी सावित्री में जाके, तो वो सती सावित्री होती थी और उनके सती के बड़े टेम्पल हैं और वो बहुत पढ़ाया करती थी, क्योंकि ये जो देश था हमारा मातृ प्रधान था, हमारी माताएं तो कुल माता होती थी, यहाँ कुल पिता नहीं होता था, तो सारी अर्थव्यवस्था और सारी घर की व्यवस्था माताओं के हाथ में होती थी और माताएं बहुत ज्यादा प्रमुख होती थी, स्त्रियों की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी और वो पुरुष से ज्यादा काम करती थी और वो उनके चक्कर में नहीं आती थी जो आज के समय जो लोग हमको भड़काते हैं या जो पहले से हमको बुराइयों में डालते थे। कोई व्यक्ति अगर हमारा बुराइयों में आता था तो कुल माता उसको सुधारती थी, उसको डांटती थी, फटकारती थी, उसको सिखाती थी और धम्म सिखाती थी जो सती माता होती थी। इसलिए सती माता, सील माता, शीतला माता, ये सब जगह आपको जो मंदिर मिलेंगे, मंदिर का मतलब है मन के दर्द दूर करने वाली जगह, ये सारी वही है जहां वो रहा करती थी। और इनको दत्तागिरी भी बोलते हैं, दंतगिरी भी बोलते हैं, ओदंतगिरी भी बोलते हैं। तो दरअसल क्या था कि वो माताएं बहनें इतनी ज्यादा जागरूक, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी कि उनसे ये लोग परेशान थे, उनको इनेमुलेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनको डिमोलाइज करने के लिए उनको वस्तु बनाया गया, उनकी इज्जत खत्म की गई। यहाँ नारी की इज्जत पहले बुद्ध के समय पुरुष से बहुत ज्यादा होती थी और ईस्टर्न स्टेट में तो अभी भी ज्यादा है, तो उनको खत्म करने के लिए बनाई गई और हमारे मुंह से ही उनको गालियां, बेसिकली हमारे जो घर है मूल निवासियों के या जो समण समाज के उनमें अभी भी बहुत ज्यादा इज्जत है, मगर वो चूंकि वो तो ज्यादा इज्जत करते नहीं क्योंकि नारियां सब हमारे ही देश की हैं जो उनके पास भी हैं, इसलिए उन्होंने माँ बहन की गाली बनाई है और माँ बहन की गाली से उन्होंने पुरुष वाली गाली लगभग खत्म कर दी है, पहले पुरुष वाली स्टार्ट हुई थी। नहीं नहीं तो आज भी इस चीज का अपना विरोध ना करना क्या ठीक रहेगा, मतलब कि आज तो नहीं, आप विरोध की बजाय अपने लोगों को बोलिए कि इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि विरोध से चीज बढ़ती है, विरोध से संज्ञान में आती है। अभी हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं जो पढ़े लिखे आते हैं वो गाली का इस्तेमाल नहीं करते, गाली का इस्तेमाल मोस्टली वहां हो रहा है जहां जानकारी बहुत कम है या छोटे एरिया है, बड़े एरियाओं में नहीं हो रही है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, बीटेक एमटेक किया और मेरे साथ के लड़के भी, मैं अगर सामान्य बात करूं, मेरे सामने गाली देंगे, सभ्य बनने का, डिसेंट बनने का दिखावा करते हैं,
लेकिन मैंने चार लड़के बगल में खड़े हुए हैं और वो लोग मजाक में भी गाली प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उनकी सामान्य बस में मैं कभी मतलब बैठी हूँ थोड़ा सा दूर का सफर कर रही हूँ तो वहां पर कंडक्टर पैसे मांगती समय गालियां दे रहा है, मतलब माँ बहन की गालियां दे रहा है, तो इतना ज्यादा डेली चलन में आ गई ये सब चीजें, मजाक में भी गाली, मस्ती में भी गाली, उन्होंने डेली चलन में ऐसा कर दिया है, क्योंकि खाली गाली ही नहीं, जो हम ये चूड़ा समार सा जो शब्द है ये भी डेली चलन में आ गया है, भंगी चमार भी जो शब्द है, डेढ़ जो है ये भी डेली चलन में आ गया है, हमारे डिमोनाइज करने के सारे शब्द वो डेली चलन में इस कदर ले आए कि उसकी जैसे हमको लगे कि ये सामान्य बात है, मगर अगर आप उसको असामान्य बात लोगों के विरोध करेंगे तो वो लोग और ज्यादा करते हैं। ये ठीक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में जब हम जितना ज्यादा विरोध करते आ रहे हैं, जैसे घोड़ी पे चढ़ने का विरोध राजस्थान में होता है और हम उसका जितना ज्यादा प्रचार करते जा रहे हैं उतना ज्यादा वो और ज्यादा लोग आ रहे हैं और वो नालायक लोग हैं, उनको बिल्कुल भी अकल नहीं है और उनको इस बात में ज्यादा मजा आता है, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। इसका सबसे बढ़िया बुद्ध ने बताया है कि उपेक्षा का मतलब है कि आप उसको देखिए मत, उसको जान लीजिए मगर उस पर रिएक्ट मत कीजिए, अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल लोग हैं, उनके पास में तंत्र सारा है, सिस्टम सारा है, गवर्नमेंट सारी है, उनके पास में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, पैसा है, फैक्ट्री है, सारा सिस्टम उनके पास है और एजुकेशन का सिस्टम उनके पास है, अगर आप उनको रिपेल करेंगे तो उनको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फिर दिक्कत होगी। आप इसको वाइजली इग्नोर कीजिए तो इसको हम अच्छी तरह से काउंटर कर सकते हैं और अपने बच्चों को बचाइए इससे, तो फिर आपके बच्चे गाली में पड़ेंगे नहीं, जबकि कोई गाली देगा तो वो सुनेंगे भी नहीं। तो अब ऐसे हम कितने लोगों को, लेकिन मैं तो इस पर एक आर्टिकल भी लिख लिया है, मतलब कल मैं भेजने वाली थी और इसलिए मैंने कहा नहीं, आर्टिकल आप लिखिए, उसमें यही सलाह दीजिए कि जो हमारे महापुरुषों में, क्योंकि हमारे परिवारों में और हमारे भारत में गाली का चलन नहीं था, मैंने पुराना पूरा पाली पढ़ा हुआ है, उसमें एक भी ऐसी गाली नहीं है, बहुत ज्यादा भगवान बुद्ध बोला करते थे किसी को तो मोघ पुरुष बोला करते थे, कहते मोघ है, मतलब मोघ पुरुष बोला करते थे और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोले, और कोई मोघ के अलावा कहीं कोई शब्द नहीं है, मोघ का मतलब है निकम्मा पुरुष है, मतलब काम ना करने वाला है, निकम्मा बोला करते थे, इससे ज्यादा कोई हमारे यहाँ नहीं बोला करता था किसी व्यक्ति के लिए या किसी, और महिला के लिए तो वो भी शब्द नहीं है, मतलब मोघनी महिला के लिए तो कहीं है भी नहीं। तो आप देखेंगे अपनी संस्कृति में और अपने पूर्वजों में जाएंगी तो हम उनकी गाली का प्रचार क्यों करें, क्योंकि गाली मोस्टली नीचे के वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, कोई ऊपर वाले के लिए गाली कहाँ देता है, जो ताकतवर है उनके यहाँ गालियां कहाँ चलती हैं, तो गालियां हमेशा हमको खत्म करने के लिए और ड्यूमलाइज करने के लिए बनी है। अगर आप उस पर आर्टिकल लिखती हैं तो आप उस पर लिखिए कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति निकम्मे लोगों की है, उन लोगों की है जो असभ्य है, अशिक्षित है, उन लोगों की परंपरा है, ये हमारे लोगों की परंपरा नहीं है, और बुद्ध ने और हमारे महापुरुषों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और हमको इसको इग्नोर करना चाहिए, इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, किसी ने अगर सुना है तो कान में आनी भी नहीं चाहिए, सर के ऊपर से निकल जानी चाहिए, आप उसको रिएक्ट मत करिए, देखिए मत, वरना ये बढ़ जाएगी। नहीं सर, ये मैडम ठीक कह रहे हैं, स्कूल मेरे घर के सामने स्कूल है, MRV स्कूल, स्कूल से बच्चे निकलते हैं और घर के सामने से गालियां देते हुए एक दूसरे को बातें करते जाते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ स्कूल में पढ़ के पता नहीं क्या आ रहे हैं, अभी जस्ट निकले और गालियां देते जा रहे हैं, मतलब एक प्रचलन में बच्चे भी ऐसे सीख गए हैं आजकल। देखिए ये तो जैसे कि जो परिवार है, जो परिवार में माता पिता है वो बचपन से उसी तरह का व्यवहार घर में करते हैं, तो बच्चे भी उसका अनुकरण करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो उसी तरह अनुकरण करेंगे, क्योंकि माँ पिता का प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए बच्चों को एक चीज समझानी है कि ये इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आज मेरा बेटा है 15 साल का हो गया, मैंने कभी अपने बच्चे के मुंह से गाली नहीं सुनी, क्योंकि मेरे घर में कोई इस तरह की हरकतें नहीं करता, ना बोलता नहीं है, तो वो भी नहीं बोलता, उसने कभी नहीं बोली। तो हमें अपने बच्चों को अपने घर से ही सिखाना पड़ेगा, बाकी जो कोई जो कर रहा है उसे करने दो, उसे इग्नोर करो, ये इसका सोल्यूशन है। आगे मैडम एक मिनट, हमारा जो था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास दो मैडम का नाम था, कंचन वीर जी एक मिनट, ज्योति दोरे अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, ज्योति जी अपना नंबर भेज दीजिए, और एक वीरेंद्र सिंह जी है पंजाब से, इनका इंट्रोडक्शन ले लिए मैडम प्लीज। जी वीरेंद्र सर जी प्लीज अपना परिचय दीजिए, वीरेंद्र सर। हाँ सर, हाँ हाँ सर, पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सविता। और आज यानी कि सुन के बहुत अच्छा लगा कि आज महिला यानी कि ग्रुप महिला डे मना रहे हैं इसमें ग्रुप में, तो बाबा साहब की भी मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही जी, सब फाइन। बाबा साहब ने यही कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं से मापता हूँ
कि उस महिला समाज की महिलाएं कितनी जागृत हैं, और ये सोच ये ग्रुप में देख के हमारी बहनें हैं बेटियां हैं ये देख के बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में हमारे समाज की जो महिलाएं हैं बेटियां हैं जागृत हो रही हैं, शिक्षित तो हो ही रही हैं, उसके साथ साथ में सामाजिक भेदभाव और उनके प्रति उनमें यानी कि जागृति आ रही है। अभी एक थोड़ी देर पहले एक बिटिया ने बताया था, क्या नाम इनका, अनुबोध, अनुबोध। तो इसमें तो मैं उनको बेटे को यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना यानी कि इसको एजिटेशन करेंगी तो आपके साथ ही उतना ही आपको करेंगे, कहते भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप भी चमार हो, अगर आप यानी कि चमड़ी के बाहर होके दिखाओ ठीक है ना, तो मेरी भी चमड़ी आपकी भी चमड़ी है। मैं आपको एक छोटे सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ इसके थ्रू कि मैं यानी कि अवेयरनेस के लिए मैं एक बार बाजार में गया, मैंने यानी कि दुकानदार से कहा कि भाई मेरे को लेदर बेल्ट चाहिए, उसने मेरे यानी कि वेशभूषा वगैरह देख के आवाज सुन के सोचा भाई हिंदू है, उसने मेरे को, उसके पास नहीं होगा शायद, तो उसने मेरे को कहा कि भाई बाबू जी लेदर बेल्ट मत लो, ये रबड़ का बेल्ट ले लो, ये बहुत अच्छा है, उसने मोड़ तोड़ के दिखाया कि ये देखिए अनब्रेकेबल है, भाई यार मेरे को लेदर बेल्ट चाहिए। आखिर में उसने मेरे को कन्विंस करने के लिए क्या कहा, बोला बाबूजी आप लेदर का बेल्ट पहन के और मंदिर में नहीं जा सकते। मैं क्यों भाई मंदिर में क्यों नहीं जा सकता, बोला ये चमड़ा है ना, चमड़ा है इस करके मंदिर में नहीं जा सकते। मैंने उसको थोड़ा सा यानी कि कमर के पास से चुट्टी भरी, तो वो बोले ये क्या है, महा ये क्या चीज है, बोले ये तो मिट्टी है। महा वाह भाई वाह, तो अच्छे भले इंसान को तुम मिट्टी मिट्टी बता रहे हो, ये चमड़ी है, चमड़े से तुम नफरत करते हो, अगर आप अपने बेटी के लिए बेटे के लिए कोई यानी कि शादी के लिए बच्चा ढूंढते हो सबसे पहले क्या देखते हो आप, उसके क्वालिफिकेशन गुण धर्म वगैरह तो बाद में देखते हो, सबसे पहले उसकी चमड़ी देखते हो। महा मैं बाईकास्ट चमार हूं और मेरे को चमार कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, माँ आप तो मेरे से भी ज्यादा यानी कि चमड़े के पारखी हो। रही बात मंदिर में जाने की, मैं पहली बात तो मैं मंदिर में जाता नहीं हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ, और दूसरी बात मेरे को बताओ जो मंदिर में तुम्हारे रखे हैं ढोल तबले मंजीरे और यानी कि नगाड़े, वो किस चीज के बने हुए, वो चमड़े के किस चीज के, बोले आप तो नास्तिक हो। माँ मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं ना नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। मैं तुम लोगों को अंधविश्वास बढ़ा रहे हो, तो मैं नहीं जाता हूँ, तेरे पास लेदर बेल्ट है तो बता, अदरवाइज मैं और दूसरी दुकान पे जाता हूँ। तो आप तर्क करना सीखो, जब आप तर्क करोगे आप कोई भी आदमी आपके सामने नहीं टिकेगा। दूसरी बात है यानी कि हम पंजाब में यानी कि इस विदा पीपल के साथ जुड़े हुए थे और हम पिछले 10 दिन से पंजाब के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जाके और प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद ये है कि आज हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं जागृत हैं, वो जो हिंदूवादी यानी कि अंधविश्वास है उससे भी दूर हो। और अभी यानी कि अपने बहन जी ने बताया विश्व शांति कांचन वीर जी ने, अभी जैसा हमारा परिवार होगा हमारे बच्चे वैसे ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं बताता हूँ मेरी 4 पीढ़ियां होगी हैं, दादा पिताजी मैं और बच्चे बिल्कुल नॉन वेज, क्योंकि हमारे परिवार में नहीं आता तो बच्चे भी उसको ग्रहण नहीं करते। तो अगर हम बच्चों के सामने गाली गलौज करेंगे, जैसा आचार व्यवहार करेंगे, घर पे आके पार्टियां करेंगे, दारू पिएंगे, तो नेचुरली बच्चों को भी वो फर्क पड़ेगा। बच्चों का सबसे पहला स्कूल घर होता है और सबसे बड़ी टीचर उसकी माँ होती है। एक पिता है कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहता भी तू शराब पी ले, तू बीड़ी पी ले, तू सिगरेट पी ले, जबकि माँ है, माँ जब बच्चे को कहेगी अगर बेटा ये हनुमान जी की मूर्ति इसके सामने मत्था टेक, ये दुर्गा जी की मूर्ति इसके सामने मत्था टेक, मतलब एक माँ है वो बच्चे को अंधविश्वास की तरफ धकेलती है। तो पढ़ी लिख पढ़ लिख के भी मेरे पास यानी कि कई आया, एक डॉक्टर पीछे जुड़ी थी, वो कहते मैं डॉक्टर हूँ और पीछे उसकी गणेश की फोटो लगी हुई है। माँ भाई आप अपने बच्चों को क्या यानी शिक्षा दे रहे हो, क्या एक ब्लड ग्रुप बिना मैच किए दूसरे को चढ़ा सकते हो ब्लड, बोला नहीं जी। तो महा जो ये गणेश के ऊपर हाथी का यानी कि बच्चे के सर पे लगा दिया, ये यानी कि कैसे पॉसिबल है, आपकी बुद्धि क्या कहती है, थोड़ा शॉर्ट में कीजिए प्लीज, बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं। नहीं बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ
मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मतलब कहने का मतलब यही है जो हमारी महिलाएं है ना वो अंधविश्वास से भी लड़े और सबसे मेन कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़े। बाबा साहब की एक वो थी बुद्धिज्म तो उन्होंने दिया ही था, हम बाबा साहब ने हमें एजुकेशन स्टेटस दिया, पॉलिटिकल स्टेटस दिया, सोशल स्टेटस दिया, इकोनॉमिक स्टेटस दिया और रिलीजियस स्टेटस दिया। हमने चार, बाकी तो सारे चार स्टेटस अपना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, परंतु रिलीजियस स्टेटस की तरफ हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया, कास्टलेस सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कहने को हम ब्राह्मणवाद को निंदा करते हैं, परंतु हम अपने बच्चों को, अगर हम रविदास जी हैं तो वाल्मीकि समाज में शादी नहीं करते, अगर वाल्मीकि है तो कबीरपंथी में नहीं करते। तो सबसे ज्यादा हमारे खुद के अंदर यानी कि ब्राह्मणवाद है, छुआछूत है, वो हमें दूर करनी होगी, तभी हमारा समाज एकजुट होगा। तो मेन बस ब्रीफ ही कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी सभी माता बहनों और बेटियों से यही कहना चाहता हूँ, आप हिंदुइज्म के जो अंधविश्वास है, आडंबर है, जो व्रत है वगैरह है, इन सब चीजों को छोड़ो। जब भी आपके बच्चे की कोई ब्याह शादी करते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि बेटी ने कितने व्रत किए, कितने 16 शुक्रवार किए, सोमवार किए, वो ये पूछते हैं कि भाई इस बच्ची की एजुकेशन क्या है। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, बाकी साथियों को भी इंट्रोड्यूस करवाओ। थैंक यू। वीरेंद्र जी आप पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं सर, मैं तो पुराना हूँ। चलो आप जुड़े रहे, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब, आप अपने परिवार की महिलाएं भी जोड़े हैं ग्रुप से जुड़े हुए पुरुष। हाँ, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, लुधियाना में हमने 25 लाख की जमीन लेके 1.5 करोड़ रुपए का बुद्ध विहार बनाया है, उसका नाम है तक्षशिला महाबुद्ध विहार, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर, पर घर में मैडम होंगी, बेटी होगी, किसी का तो इंट्रोडक्शन करा दीजिए। खुशबू तेरी मम्मी को और खुशबू को लिया, और मैंने जो शादियां की है बुद्ध रीति से की है, और पिताजी की क्रिया थी बुद्ध रीति से की है, ये नहीं मैं जो कर रहा हूँ तो बाकी कुछ जो कहना है ना अपने आप में डालना है। मैं समाज के लिए एग्जाम्पल फिट कर रहा हूँ, गांव में मेरे परिवार थे, वो कहने लगे ये क्या कर रहा है, मैं यही करूंगा, घूंघट पर था हमारे परिवार में नहीं है। जिंदर जी बहुत साधुवाद सर। हाँ खुशबू उनको बुलाओ, इतने और ले लो, मैडम कंटिन्यू तो बुलाइए, आप मैडम को बुलाइए, तब तक हम किसी और को ले लेते हैं। पुष्पा जाधव मैम जी, पुष्पा जाधव मैम आप जुड़ी है ना, सुन रहे हैं आप? जी जी मैम, जी मैम जुड़ी हूँ मैम, जय भीम नमो बुद्धाय। आपने परिचय दिया था अपना? जी 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 परिचय दिया था अपना, जी मैम परिचय हो गया। अच्छा, और कोई नए लोग है हो तो अपना परिचय दीजिए प्लीज जी, अपना नए लोग हो तो अपना परिचय। जय भीम। हाँ जी, जय भीम, जय भीम जी, जय भीम। नमो बुद्धाय, मैं पंचशिला के वाले बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी बोलिए मैम। हाँ, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ जी। हम जो बात करते हैं वो दूसरों की बुराई करने से पहले हम अपने अंदर ही झांक कर देखना चाहिए, सबको, महिलाओं को, पुरुष को, वो गलत है वैसा बताने से पहले हम कैसे सही है ये बताना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैडम जी। मैम आपको लिंक कहाँ से मिला मैडम? किसी ने तो भी भेजा था मुझे। मुझे पता नहीं है, उनका नाम हो गया, नहीं जानते, पहले समझाने, पहली बार मैंने भेजा हूँ। जुड़े रहिए मैम जी, और अपनी सहेलियों को भी जोड़िए अगले सप्ताह, समझो रोज ही अपना 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, तो जल्दी जल्दी काम निपटा कर आप भी रोज ज्वाइन हुई, क्योंकि जो विचारों का आदान प्रदान होता है तो उससे विचार प्रगल्भ होते हैं, हमें क्या करना चाहिए आगे, हमारे बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमें यहाँ से सीख मिलती है। और अगर कहीं जरूरत भी पड़े तो अपने ग्रुप के लोग हमें जरूरत जो मदद है वो भी कर देते हैं, तो चाहती हूँ कि अपनी सहेलियों को जोड़िए आगे। धन्यवाद जी। पंचनवीर जी जी मैम, जैसा कि अभी ये जातिवाद पे ये चर्चा चल रही है, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। हाँ जी जी सुनाइए मैम। जब मैं स्कूल में थी, हमारे गांव में एससी कास्ट से चूड़े चमारों में सिर्फ मैं और मेरी बहन पढ़ती थी पूरे गांव में,
और आसपास के गांव में हम दोनों बहने पढ़ते हैं, तो हमें जो उस गांव में जाट और पंडितों का बोलबाला था, तो वहां पे जो पंडितों की जो लड़कियां थी वो उसने क्या कहती, चमार की लड़की है, चमार की लड़की, ऐसा कहती थी। तो मैंने उसको चैलेंज किया, अगर मैंने तुझे भरे फील्ड के बीच में तेरे को चप्पल नहीं मारी तो मैं भी, मैंने कहा मेरा नाम भी नहीं, तू देखिए। और भाई उसी स्कूल में मेरे फादर इवन जॉब करते थे, वो हेड क्लर्क थे मेरे फादर, तो उन तक किसी ने पहुंचा दिया यार तेरी बेटी तो ऐसे से ना उसको शर्मा जी की लड़की को ऐसे बोल के गई है। तो मेरे पापा ने आके मेरे से पूछा क्या बात हुई, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी आप होगा। तो हमारा जो स्कूल ग्राउंड में गेम्स का पीरियड था, तो काफी सारे हमारे साथ भी थे, बच्चे थे पूरे, और भी क्लासें बाहर थी, लाइन लगा के जैसे खड़े होते लाइन अप होके, मैंने मौका देख के जूता निकाला अपना और उसके दो तीन जूते मार के, और उसके बाद बोला आज के बाद चमार बोलेगी तो इससे ज्यादा पिटाई होगी, मार के जूते चप्पल और घर से निकल गई, स्कूल में बैग लेके आ गई। और भाई पूरे स्कूल में हल्ला मच गया, इतना शोर मचा कि अरे चिरंजीलाल की बेटी ने तो जूता मार दिया, चप्पल मार गई, बहुत शोर हुआ। वो पंडित लोग आ गए कि भाई चमार की लड़की ने कैसे जूता मारा। तो मुझे भी प्रिंसिपल सर ने बुलाया कि क्या बात हुई थी, मैंने कहा सर ये मुझे क्लास में डेली ऐसे बोलती थी कि चमार की, मैंने कहा सर मैंने इसे बताया कि चमार की लड़की क्या कर सकती है, अगर इसने मुझे दोबारा बोला तो शायद मैं इससे ज्यादा कुछ और करूंगी। उस दिन मैंने 10th पास किया, 12th पास किया, उस लड़की ने मेरे से कभी बात नहीं करी, इवन किसी और की भी कोई दोबारा बोल सके। तो हमें डरना नहीं है, इन लोगों का काम है हमें डराने का, वो किसी भी तरह से हम लोगों को डरा सकते हैं, किसी भी तरह से हमारा मनोबल तोड़ने का इन लोग काम करते हैं। अगर हमें डर, अगर हम डर गए घबरा गए तो हम फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें पढ़ना था तो लेकिन उनसे डरना भी नहीं था। मैं तो एक गांव में रूरल एरिया में होके मैंने इतनी हिम्मत करी, डरती मैं किसी से नहीं थी, चाटे चूटे तो यूं ही मार देती थी। तो डरना नहीं है, मैं बेटी को भी ये बोलना चाहूँ डरो नहीं, लेकिन ऐसा भी आज के टाइम पे ऐसा नहीं करना कि हमें किसी से झगड़ा करना है, या तो फिर खुद इतने बोल्ड हो कि तुम उसका सामना कर सकते हो। तो बस मेरा ये एक्सपीरियंस आज की जाति बात जी बहुत अच्छा है। कंसेप्ट का टाइम हो गया काफी अर्जेंट। यार सर बस मैं वही बोलने वाली थी, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैडम का बुलाया जाए। आज सर किसने कॉन्सेप्ट क्लियर करना था? कंचन वीर जी का नाम था कॉन्सेप्ट के लिए, मंजू सिंह और कंचन वीर मैम। मंजू सिंह दिल्ली से, मंजू सिंह मैम। हाँ जी जी मैडम बोलिए, मंजू सिंह जी आए। मंजू सिंह जी आ क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? मंजू सिंह मंजू सिंह जी मेरी बात सुन रही तो अपना जरा प्लीज आइए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने करिए। कंचनवीर जी का आपका भी नाम है इसमें, तो आप बोलिए कुछ। जी बहुत बहुत साधुवाद कंचनवीर जी, बहुत बढ़िया आपने, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। कंचनवीर जी ये अपना संघ है, संगठन नहीं है, संगठन नहीं है, संघ है। और संघ और संगठन में शायद सब एनजी और संगठन में क्या है जी, संघ में, संघ और संगठन में फर्क है जी। आगे कंचन भाई बहुत बढ़िया कहा आपने, कंचन भाई लगे रहो, बहुत सारी महिलाओं को जी। सर जी बोलिए, सर की आवाज ब्रेक हो रही है। मैं बबली हीरा बोल जी हैं, बबली हीरा मैडम जी। जी जी हाँ जी, 10 से 11 संभालिए आप। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कंचन जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कंचन वीर मैडम, कंचन जी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे
समाज की बहनें इतना अच्छा बोलती हैं, और तो आगे आने वाले समय बहुत जल्द बदलाव होगा, बहुत ही जल्दी बदलाव होगा जाचा मैडम, बहुत ही जल्दी बदलाव होगा पुष्पा मैडम, बहुत ही जल्दी होगा। जी दीदी, जय भीम, नमो बुधाई दीदी। जय भीम नमो बुधाई जी। पुष्पा मैडम जी, अब आप बबली मैडम जी का साथ दीजिए 10 से 11 के लिए। चलिए चलिए, ठीक ओके। सोनू नहीं आई क्या? मनीषा बहन जी, सोनू कहाँ है? खैर सोनू नहीं आई है, इसीलिए पुष्पा मैडम संभालेंगी। जी जी, वैसे एक हैंड रेज है, लेकिन अगर महिलाओं में से पहले हैंड रेज के लिए बोल दो बबली मैडम। जी मनोज कुमार जी, मेरी आवाज अगर आ रही है तो अपना परिचय दीजिए। सिर्फ मैं एक दो मिनट बात करना चाहती हूँ कि हम अभी 19 नवंबर को एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें क्रांतिवन जो शहीद हुए हैं लोग हैं उनके नाम से हम वृक्षारोपण 5000 वृक्ष लगवाने वाले हैं और पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे, उसमें ही बुद्धिज्म का भी हमने प्रावधान किया है ताकि हम धम्म को आगे बढ़ा सके, अपने समाज के हम जो भी दायित्व है वो निभा सके, और उसमें आरोग्य केंद्र भी होगा और भिक्खु निवास भी होगा, जो बुद्ध भिक्खु है उनकी सेवाएं भी वहां से चलेगी, वहां रह सकते हैं हम, उनकी सेवा करेंगे वहां पर, और जो वृद्ध माता पिता है जिनका कोई बचा नहीं है इस जीवन में, बेटे बेटी वगैरह, तो उन लोगों को हमारी आवश्यकता होगी, हम उनकी बेटी बनकर उनकी सेवा करेंगे यहाँ पर, जिनको भी हमारी आवश्यकता होगी वो यहाँ आकर रह सकते हैं और मदद जो करना चाहते हैं वो भी हमें मदद कर सकते हैं। 19 तारीख को प्रोग्राम है तो कटके सर उस बारे में अगले सप्ताह बताएंगे उस प्रोग्राम के बारे में, तो आप सब आमंत्रित हो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यवतमाल में, महाराष्ट्र में यवतमाल में जो भी अपने सत्र में आज जो संघ में शामिल है महिलाएं मेरे बंधु, तो जो आना चाहते हैं तो हमें मेरा फोन नंबर मैं छोड़ देती हूँ, तो सब लोग आइएगा, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ 19 नवंबर में मैम। 19 नवंबर जी ओके मैम, ठीक है। और मैं सभी को बता रहा हूँ, मैं रमेश कटके बोल रहा हूँ, कंचनवीर मैम ने एक काटके जी, आवाज आपकी कट रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब ट्रेन में हूँ, ट्रेन जी इसलिए आवाज नहीं आ रही। चलो उनका लिंक बनेगा जब बोल देंगे आप, बुबली हीरा जी आगे बढ़ाए मैडम। मनोज कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको अपना, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो आप अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार जी, उनका हैंड लोअर हो गया उनका तो। अच्छा ठीक, और किसी को बोल दो कि हैंड रेज कर ले जो नए खास अभी आज जो नहीं, जितनी भी नई महिलाएं जुड़ी हैं तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, और जिससे कि हमें मालूम हो जाए और अपना परिचय देने के लिए हम उनको बुला सकें, प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है। मैडम वीना सिंह है, सुनीता रानी है और रीना वर्मा है, इन्हें देख लीजिए। जी वीना सिंह मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी मुगुदा मैम, मैं कई बार जुड़ती हूँ। आपको कैसा लगा वी द पीपल का ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत खुशी मिलती है। कितनी बार जुड़ी हैं आप? मैं 5-6 बार जुड़ चुकी हूँ मैम। जी फिर बाकी डेली क्यों नहीं जुड़ती हैं आप, बताइए क्या कुछ कारण? हाँ डेली नहीं जुड़ पाती हूँ मैम, मैं भी जॉब में हूँ। जी क्या करते हैं? मैं इंटर कोर्सेज में हूँ मैम, लेक्चरर। अच्छा जी जी पूरा इंट्रोडक्शन ले बबली, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए सभी से, इंट्रोडक्शन पूरा। जी मैम, मैं आर्यकन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद में लेक्चरर हूँ और वाइस प्रिंसिपल भी हूँ इस टाइम। जी आप सबके लिए तो बहुत कुछ तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्रयास है कि अपनी प्रयास मेरा यही है कि मैं भी अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, और आप सबके से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अभी कंचनवीर बहन जी बोली, बहुत अच्छा लगा कि अपने जो आर्थिक रूप से भी
इतनी सुदृढ़ हो कि वो अपने समाज के लिए इतना योगदान दे रही हैं, तो हम सब भी मिलकर ऐसा प्रयास करें कि हम अपने और अपने समाज को आगे से आगे बढ़ा सकें, अपनी पीढ़ी को कुछ दे सकें, ये मैं कोशिश कर रही हूँ। अपनी फ्रेंड्स को भी सभी को जोड़िए, मीटिंग में जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को सभी को जोड़िए, और 10-20-30 को तो आप तीन महीने में तीन बार महिला विशेष प्रोग्राम होता है तो आप जरूर जुड़िए। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जी मैम मैंने भेजा हुआ है, मैं दोबारा भेज देती हूँ मैम। हाँ आज भेजा दीजिए मैम जी। मैं भी चंदौसी से हूँ, संभल उस पर। अच्छा जी जी जी, जय भी मैम। आपका शुभ नाम मैम? पुष्पा बोध। अच्छा अच्छा, सुषमा कुमारी जी भी हैं सनातन धर्म से? सुषमा जी भी हैं। मैं पुष्पा बोध बोल रही हूँ जी। ओके मैम, आप कौन से कॉलेज से हैं मैम? नहीं मैं जूनियर हाई स्कूल से हूँ, बेसिक। अच्छा जी अच्छा जी, ठीक है मैम। बेसिक से हूँ, बेसिक में हेड टीचर हूँ, हेड टीचर। ठीक है मैम, थैंक यू। और अभी आगे आज आज जितनी भी महिलाएं जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया हो अपना हैंड रेस कर दीजिए ताकि हम उनका परिचय ले सकें। अर्चना गौतम मैम ने शायद परिचय नहीं दिया है। अर्चना गौतम मैडम बहुत पुरानी, अर्चना गौतम भी मैडम को भी बुला लेते हैं, बहुत पुरानी मैडम है वो भी, हमारी बहुत पक्की फ्रेंड है हमारी। हमने उनका परिचय नहीं सुना ना, उनको सुना नहीं। अर्चना गौतम जी अपना आइए, अपना परिचय दीजिए। जी 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 मैम, मैं गुड़गांव हरियाणा से अर्चना गौतम जी मैम, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमारी तीन पीढ़ियों से लगभग ही सामाजिक काम में लोग जुड़े हुए हैं। मैं अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के हूँ, जो बाबा साहब के मिशन को, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिशन का काम करते हैं। मेरा बेटा भी है, वो भी करता है, वो वकीलों की मीटिंग में जुड़ता है। और हाँ, वी द पीपल का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा तो इसलिए रोज मीटिंग में जुड़ते हैं। महिलाओं को आज सुना, कंचन मैडम को सुना, बहुत अच्छा लगा। सभी के नए नए विचार रोज सुनने को मिलते हैं और आगे भी समाज में लोगों को विचार फैलाने का काम करते हैं। यही मेरा परिचय है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान जी। मीना 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 अम्बेडकर जी का परिचय हो गया मनीषा? नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ। मीना अम्बेडकर जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो अपना परिचय दीजिए। मीना अम्बेडकर मैडम जी। मैम नमो बुधाय, जय भीम। नमो बुधाय, जय भीम, अपना परिचय दीजिए। जी मैं मीना अम्बेडकर हूँ, उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से जी। मैं भी बहुत पुरानी हूँ, डेली जुड़ती हूँ जी। अभी कैसा लगा आपको वी द पीपल का प्रोग्राम, कैसा लगा वी द पीपल का? ये बहुत अच्छा लगता है, खा ले, बहुत ज्ञान वर्धक कार्यक्रम है ये। जी जी जी, अभी दो तीन दिन से तबीयत खराब थी तो नहीं जुड़ पा रही थी। जी जी जी, अपनी फ्रेंड्स को सभी को जोड़िए इसमें जी, इस ग्रुप में, वी द पीपल के ग्रुप में जी जी। अपने रिलेटिव्स को, अपनी फ्रेंड्स को, सभी को जोड़िए ताकि हम संगठित होकर इस मुहिम को बहुत आगे चला सकें जी, और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपको मैम जी। एक राज बेटी नाम है कुछ, राज बेटी, राज बेटी, राज बेटी, राज बेटी जी, हाँ जी, राज बेटी, राजवती है, राज वो बेटी के नाम से इधर बेटी लिखा है। राजवती जी, अब अगर अपना, मेरी आवाज आ रही है तो अपना परिचय दीजिए। जय भीम नमो बुधाय मैडम। जय भीम नमो बुधाय, नाम से बोल रही हूँ मैडम मैं। हाँ थोड़ी सी आवाज बोलिए, थोड़ी आवाज कम आ रही, थोड़ी सी आवाज बोलिए थोड़ा जोर से। और जय भीम नमो बुधाय, मैं कानपुर से बोल रही हूँ मैडम। जी जी जी, बोलिए अपना परिचय दीजिए। कानपुर में मैं पंजाब में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रेलवे से SSC से रिटायर हुए हैं अभी मार्च में जी। चंद्रा नाम है जी जी। मैं आप पहली बार जुड़ी हैं? नहीं मैडम, तीसरी बार जुड़ रही हूँ जी जी जी। आज अपने नाम से जुड़े हैं, पहले वो
शायद आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है सर, में बहुत दर्द था। जी 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 मैं बस हिंदुस्तान। मैडम आवाज आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, थोड़ा माइक को थोड़ा सा माइक के पास आके बोलिए। हाँ जी, मैं 15-20 साल से बौद्ध धर्म से ही जी हूँ। पहले तो काफी हिंदू धर्म में पूजा पाठ व्रत भी रहा करती थी, लेकिन जब से शादी हुई उसके बाद से मैं एक बच्ची हुई उसके बाद से काफी मुझे बुद्ध विहार और काफी लोगों से जब संपर्क हुआ तो कुछ चीजें समझ में आई कि ये पूजा पाठ ये सब बेकार है जी। तो तब से मैं नहीं रहती व्रत व्रत। और मेरे 3 बेटियां हैं, एक MCA कर फाइनल हो गई है, टीचिंग का काम कर रही प्राइवेट जी। और एक लखनऊ में है, BSc नर्सिंग फाइनल ईयर है, पेपर हो गए हैं अभी जी। एक बेटी बीटेक कर रही है PSIT से, थर्ड ईयर है उसका जी। बाकी बस जहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रोग्राम होते हैं या अपने लोग होते हैं तो उनसे ही मिलके मुझे अच्छा लगता है जी। जी कुछ सीखते हैं, आगे भी क्या करना है वो चीज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं। भक्ति भोजन दान वगैरह भी हर इधर प्रसावास में करवाती हूँ जी। बस इतना ही घरेलू मतलब नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी तरफ से जितने तो आप कोशिश कर रही हैं, जो भी कर रही हैं बहुत ही अच्छा है कार्य है। तो उसकी बहुत बहुत साधुवाद आपका, और आप जुड़े रहिए और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी जोड़िए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय भीम नमो बुद्धाय, सभी जय भीम नमो बुद्धाय। सीमा सीमा थुल मैडम, आपकी आवाज आ रही है सीमा थुल मैडम। राजवती मैडम जी अपना फोन नंबर डाल दीजिए। यस मैम, मैं पहले परिचय दे चुकी हूँ, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। अच्छा जी, 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 और इसके पहले जी, भी जी, मैं जुड़ी हूँ, और जब स्टार्टिंग में भी मैंने परिचय दिया है जी जी जी। और क्या बताऊँ, और 2 बच्चे हैं, बेटी पढ़ रही है मुंबई में, बच्चा मेरे साथ यहाँ पढ़ रहा है, साहब सेंट्रल रेलवे में जॉब करते हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ, पर सभी बातें में ध्यान रखती हूँ। तो अभी तो जैसे ये कंडीशंस चल रही है तो उस पर तो हम लोग जागरूक रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, और भी बहुत भी जरूरी भी है हम सबका मिलना, अच्छा बहुत जरूरी है, संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। सिस्टर जी नीता नंदन और बीना, नीता नंदन मैडम, नीता नंदन मैडम अपना परिचय दीजिए, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। बबली जी फोन नंबर के लिए बोल दिया करें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक हैंड रेज है मैडम, अभी देखते हैं सर। अच्छा आज ना एक टॉपिक पे डिस्कशन था, जो बंधन वाली बात थी ना, महिलाओं के बंधन क्या क्या, कैसे कैसे दूर करने का प्रयास, व सफलता कितनी मिली है, क्या करना चाहिए जी जी जी। ये साथ साथ करना होता है, वो मैं उस टाइम मैं बता नहीं पाया जी, जो भी कुछ बोलना चाहे तो बाद में बोल सकते हैं, अभी टाइम है आधा घंटा जी। दिलीप कुमार जी अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपना परिचय दीजिए दिलीप कुमार जी। जी जी मैडम, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। मैडम की इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं, दिलीप कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से बुला हूँ जी जी, क्योंकि आज 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 महिला विशेष दिन था तो इसलिए हम कहे कि मैडम का भी परिचय करवा दें तो अच्छा, जब ये लोग समाज का भला होगा, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं महिलाओं के बदौलत भी हैं, हम कहीं भी अगर समाज में जाते हैं 2-4 जगह जाते हैं मिलने जुलने तो इनके संज्ञान में रहेगा कि हाँ ये कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो इससे काफी बल मिलता है। बाकी मैं डॉक्टर आर एस स्वामी लखनऊ से हैं, उनके माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं,
और मैं अभी बलिया जिला का रहने वाला हूँ, हरिद्वार में ये बिरला टायर है, इसमें मैं इंजीनियर हूँ। तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, तो हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ पे आजकल बहुत ही अपने समाज में शिव चर्चा करके लोगों ने, औरतों ने बहुत ज्यादा ये कुरुतियाँ फैला दी है, तो उसी के अगेंस्ट में हमारे एरिया की तरफ, बलिया की तरफ जो है भीम चर्चा आजकल हमारी माता बहने जो है मिलके गा रही हैं। तो हम इस बार जा रहे हैं तो भीम चर्चा भी कराने के मूड में है कि दो चार गांव के औरतों को बुला के अपने यहाँ भीम चर्चा की शुरुआत की जाए, जिसमें हमारी मैडम का भी पूरा सहयोग मिल रहा है कि नहीं इस बार कराया जाएगा। तो बाकी मैडम ही बस पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन दिलीप सर छठ के बारे में कुछ बताएंगे, आप बलिया में रहते हैं, बलिया को मैडम छठ जो है ना, छठ हमारे यहाँ भी बहुत धूमधाम से, हमारी माताजी रहती थी या वो रहती थी तो करते थे, लेकिन अभी जब हम लोग ये हुए जागरूक हुए तब से देखिए अंबेडकर जी का ये बहुत भगवान का लगा हुआ है मूर्ति यहाँ पे, बाकी हम हमारे घर में कोई त्योहार नहीं मनता है, चाहे छठ ही नहीं, सोच लीजिए कि चाहे रक्षाबंधन हो चाहे दीपावली हो, बच्चों का अगर कुछ इधर उधर देखते हैं तो बस अपने घर में जो कुछ भी है वो बना के अच्छा अच्छा खा लो, बस यही हम लोग का त्योहार है, बाकी और कुछ नहीं है, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं मनाते हैं। और जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं सबको हम लोग समझाते हैं, काफी लोग समझ भी रहे हैं जी। बाकी हम जहाँ पे रह रहे हैं इसमें हरिद्वार में, यहाँ भी अपने समाज के काफी लोग जागरूक हैं, क्योंकि ये बेल्ट जो है हम लोगों के समाज का बहुत ज्यादा वर्चस्व है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों के बिरादरी से जल्दी कोई नहीं मुंह मारता है, क्योंकि संख्या में हम लोग ज्यादा हैं, और संख्या में ज्यादा होने के नाते हम लोग यहाँ पे एक भी हैं, वो चाहे वो भीम आर्मी के माध्यम से हो चाहे बहुजन समाज के माध्यम से हो, लेकिन एक है हम लोग। और यहाँ से ही हम जा रहे हैं, वहां से ही 2 अप्रैल को हम लोग जाके पूरा हरिद्वार को बंद कराने का भी काम किए थे 2 अप्रैल वाले में। बहुत बहुत साधुवाद, विशेष है तो मैं यही कहूंगा कि मैडम का हमारे पूरा सहयोग मिलता है इस कामों के लिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद देते हैं। मैडम को तो बोलने दीजिए सर, मैडम को बोलने दीजिए जरा कुछ। हाँ लीजिए, अपनी 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 वाइफ से इंट्रोडक्शन करवाइए जी। जय भीम नमः बुद्धाय, जय भीम जी, जय भीम नमः बुद्धाय। मैडम नाम बताइए, मैडम बहुत अच्छा लगता है बैठ के, नाम बताइए हमारे बगल में ही बैठ के डेली नमः बुद्धाय, नाम बताइए मैडम। ज्योति नाम है, ज्योति, ज्योति बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाम, बहुत सुंदर है। मैडम ज्योति जी, 10, 20 और 30 तारीख को हर महीने मीटिंग होती है, आप लोग इसी तरह से परिवार जुड़ा करें, ठीक है, और सबको कहें जाते हैं। ज्योति जी स्वागत है, स्वागत है आपका भाई साहब, और ज्योति जी का बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, कुछ तो हो गए, लड़कियां पढ़ रही है, वो लग रहा है सो गई, वो भी लाइट बंद करके रात हो गया। मैडम जुड़ गई हैं, बहुत है, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आर एस स्वामी सर जी, जी जी सर, अरे थोड़ा आप भी मैडम से परिचय करवाइए। हाँ जी, आपने सही पॉइंट पकड़ा है सर, तो सही कहा स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी अपनी मिसेज से इंट्रोडक्शन करवाइए, बिल्कुल हम आगे के चल रहे हैं। मैं ये दिलीप सर जो है बेसिकली बलिया के रहने वाले हैं, और ये समाज के लिए बहुत ही समर्पित रहते हैं, इसके लिए मैं दिलीप सर को बहुत बहुत साधुवाद बोलता हूँ। हाँ वो सर मैं परिचय करवा रहा हूँ, मैडम को बुला रहा हूँ मैम। जी 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 बुलाइए, बुलवाइए सर, बुलाइए बबली हीरा जी, इसके बाद मुझे 5 मिनट का समय देना जरा। जी 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 बिल्कुल मैम, स्वागत समय है आपके लिए। एक विजेंद्र सिंह है, ये देखना कहाँ से है, विजेंद्र सिंह सर, अभी ये स्वामी जी अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन ले लें इनसे, उनके बाद देखते हैं उनको परिहार जी।
ना वो टाइम लगाएंगे ना। नहीं नहीं आगे 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 आइए। हाँ बबली मैम आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप अपना सुनाइए कैसे हैं? जी मैम ठीक अपना है और बस अभी लगे हुए हैं। जितना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, साथियों को, बंधुओं को, वो तो जोड़ने का ये तो करना ही है काम। जोड़ना है और जोड़ना है आगे हमें सभी को। सर मैडम को आने में देर है इसलिए बबली मैडम का हाल चाल पूछ रहे हैं। मैम आगे नेक्स्ट को लीजिए। मैम जो है वो खाना बनाने ठीक ठीक बोलिए मनीषा बोलो। नहीं मैडम जो हैंड रेज है उनको लीजिए पहले। हैंड रेज वालों को ले लेते हैं। डॉक्टर सी एस आनंद जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर सी एस आनंद जी माइक अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आनंद जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहे शायद। आई थिंक मनीषा बोलो आप बोलो तो। हेलो जी 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 डॉक्टर आनंद जी। जी जी सभी को जय भीम नमो बुधाय। जय भीम नमो बुधाय। जी जी और आप सभी का जो है भाई मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो जी 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 आवाज आ रही है बोलिए आप आनंद जी बोलिए। जी आ रही तो मैं अब कई दिन में आप लोगों के साथ आया हूँ जुड़ा हूँ जी। अभी पहले सुनता हूँ सब लोगों को फिर आप मौका देंगे तो फिर मैं बात करूंगा। नहीं सर बोलिए आप मौका दे तो दिया अभी आपको आपको मौका तो दिया है बोलने के लिए आप बोलिए। जी 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 तो बोलिए। ये जो हमारा द पीपल प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। आप लोगों ने इसको शुरुआत करके बहुत अच्छा कार्य किया है और दोबारा इसमें जुड़ रहा हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा मैं कहीं ज्यादा बिजी हो गया था। जी जी तो मैं मथुरा से हूँ। जी मैं सोशल वर्कर भी हूँ और आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। जी 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 मैं नेशनल एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक संगठन चलाता हूं। मैं इसका अध्यक्ष हूं और थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स से भी मैं कहीं जुड़ा हूं। जी राष्ट्रीय जनहित मोर्चा के नाम से हमारा एक संगठन काम कर रहा है जिसमें मेरे साथ फिलहाल में 10 पार्टियां हैं जी जिनको मैं अभी चलो इतना ही मुझे बोलना था आप लोगों से। आप दिसंबर में जो डॉक्टर्स की मीट होने वाली है बीजेपी पर की तरफ उसमें आप जा रहे हैं आप आमंत्रित हैं उसमें आप जा रहे हैं ना? जी किसमें? बीजेपी पर की दिसंबर में मीट है ना डॉक्टर्स की इसमें आप जा रहे हैं ना? हाँ दिसंबर में मेरी नॉलेज कितने तारीख में है बता देंगे डॉक्टर स्वामी जी। आपको इन्फॉर्म कर देंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। जी जी नंबर मेरा आप ड्रॉप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे हम। अच्छा अच्छा जी हाँ डॉक्टर दिसंबर में कौन सी डेट है? दिसंबर है आई थिंक परिहार जी 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर 26 दिसंबर है डेट आ रही है बाद में डॉक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें भी बताते हैं आपको अभी टाइम है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर बोल रहा हूं। यूएस लाल जी बोलिए जी बोलिए। 26 दिसंबर के कॉन्फ्रेंस में आप आमंत्रित हैं। 26 दिसंबर की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है लखनऊ में हो रही है और ये भारत के जितने भी चिकित्सक बंधु हैं सबको वी द पीपल के प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की मुहिम के अंतर्गत इस मीटिंग को रखा गया है जिसके माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि सारे चिकित्सक वी द पीपल के संघ में जुड़ जाएं और आगे कार्य करें। और जितने भी आपके साथ चिकित्सक बंधु हैं जिनको आप जानते हैं
उनको भी ये मैसेज पास करिए और उनको भी विद द पीपल की डेली जूम मीटिंग जो हो रही है उसमें लाने का प्रयास करिए। थैंक यू सर। सर मैंने अपना नंबर आपको शेयर कर दिया। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। डाल दीजिए, मैं भी डाल देता हूँ, हमारी आपकी बात हो जाए। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हैंड रेज है मैडम। योगेश कुमार जी, डॉक्टर योगेश कुमार जी, डॉक्टर योगेश कुमार जी, मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, सभी बहनों और भाइयों को नमो बुधाय, जय भीम। नमो बुधाय, जय भीम। डॉक्टर योगेश, सोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ बहन जी, आज जैसे अब महिला विशेष दिन है और तो दूसरों को अगर आप मौका थोड़ा कम ही दें, कुछ लोगों को दूसरी तरफ इतना ही है। जो आज का मैं टॉपिक है, टॉपिक पे चर्चा जरूर करें। सिर्फ परिचय पे बात चल रही है और बड़ी लंबी बात परिचय में लंबी बात हो जाती है, इसलिए इस टॉपिक पे चर्चा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमो बुधाय, जय भीम। जी जी, नमो बुधाय, जय भीम। अभी जो अब बाकी अभी जिन महिलाओं ने आज पहली बार ज्वाइन किया वह कृपया अपना हैंड रेस कर दें ताकि हम उनका परिचय ले सकें। मनीषा, नहीं तो तुम बोल दो, तुमने बोलना था ना। मनीषा तुम बोल दो। मनीषा हाँ, अभी कोई है नहीं ना, तो तुम बोल दो। सुषमा कुमारी मैम अपना परिचय दीजिए। सुषमा कुमारी मैम जी, सुषमा जी चलोसी से, मेरी आवाज सुन रही है सुषमा जी? विजेंद्र सिंह जी शायद फर्स्ट टाइम है। विजेंद्र सिंह जी, सुषमा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? सुषमा जी चलोसी से आप अपना परिचय दीजिए, कुछ बोलिए भी। टॉपिक पर बात करवा लीजिए मनीषा जी, आप किसी से। आज का टॉपिक रह जाएगा वरना टाइम ज्यादा होता जाता है। मैं बोलती हूँ जो भी बोलना चाहे, जो जो बोलना चाहता वो भी बोले, लेकिन अब टॉपिक पे बोले तो थोड़ा अच्छा है। वैसे भी देखो संख्या काफी कम रह गई, एज इट इज है, किसी ने नहीं बोला टॉपिक पर। एक बार आप शुरू कर दोगे तो बाकी हो जाएगा। किसका? सभी को जय भीम नमो बुधाय। मैं मनीषा निगम दिल्ली तिलक नगर से हूँ और विदा पीपल के कॉन्सेप्ट से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, इवन स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हूँ। और क्लियर है मेरा बिल्कुल, कभी आगे भी इसको बढ़ाने के लिए डेली सैकड़ों काफी फोन करती हूँ, महिलाओं से बातें करती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ। अभी भी जो दिल्ली में हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है पिकनिक का, उसके लिए भी दिल्ली एनसीआर के लोगों से डेली लिस्ट बना ली है मैंने और डेली लोगों से बात कर रही हूँ, महिलाओं से बात कर रही हूँ कि भाई ये हमने संभालना है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उसमें आए और ताकि हम इस पिकनिक को भी पहली जो संगीति थी उसके जैसे कामयाब बना सकें। सभी लोग जुड़ेंगे तभी ये आएंगे, तभी ये हमारी ये प्रोग्राम भी पिकनिक भी कामयाब हो सकेगी। तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग आएं और अपनी फैमिली के साथ आएं, अपना खाना पीना पानी और अपने खेलने की चीजें या जो भी अपनी दरी चटाई वगैरह साथ में लाएं, जो भी आप पकवान अच्छे से अच्छा लाना चाहें ला सकते हैं, उसे हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करके खाएंगे। और इससे हमारा क्या है कि एक भाईचारा भी बढ़ेगा और हमारा इंट्रोडक्शन भी होगा, हमारे बच्चे भी एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो मैं आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहूंगी। हमारा कॉन्सेप्ट है महिलाओं के बंधन क्या क्या। तो जब हम थोड़ी सी अपने पुराने बुद्धा जी के समय की थोड़ी सी बात करूंगी कि उस टाइम पर जो थे महिलाओं को हमारे सभी अधिकार प्राप्त थे, आज की तरह हमारे उस टाइम पर महिलाएं गुलाम नहीं थी। आज की महिलाएं अधिकतर
मतलब जो पढ़ी लिखी है वो भी मैं समझती हूँ एक तरह से गुलाम ही है। उस टाइम पर महिला गुलाम नहीं थी, उन्हें सारे अधिकार प्राप्त थे, वो हर उस समय मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे, महिलाएं पूरा डिसीजन ले सकती थी, उनका कोई विरोध नहीं करता था। तो उस टाइम की जो महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी भी थी और हर क्षेत्र में कार्यरत थी और वो अपना डिसीजन वगैरह सब ले सकती थी। तो उनके बाद जो हमारे देश पर आक्रमण होते रहे, कभी कोई आया कभी कोई आया, लेकिन इस तरह की हालात कभी नहीं हुई। उसके बाद जब आर्य ब्राह्मणों ने हमारे देश में आकर कब्जा किया, जब ये लोग बाहर से यूरेशिया से आए, वो ये आर्य ब्राह्मण है, जब ये हमारे देश में आए तो ये अपने साथ अपनी महिलाओं को नहीं लाए, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश की जो लोग थे भोले भाले थे, सीधे साधे लोग थे, उन पर आकर के इन्होंने अपनी संस्कृति एक तरह से जबरदस्ती ला दी। जब इन्होंने उन्होंने देखा यहाँ के लोग सीधे साधे हैं और हमारे बहकाव में आ सकते हैं, कुछ जबरदस्ती आएंगे, कुछ अपनी मर्जी से आएंगे, कुछ को जबरदस्ती हम लोग अपना इनके ऊपर हम अपनी संस्कृति थोप देंगे। एक तरह से थोपी हुई संस्कृति है जिसको आज हमारा समाज पूरी लगन से, मेहनत से और अपने पूरे मन वचन से उसको, उनकी संस्कृति को निभा रहा है, चाहे वो हमारा समाज पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। ये जो है, जब आर्य ब्राह्मण हमारे देश में आए तो उन्होंने यहाँ पर आके हमारे जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, जैसे चंद्रमा की हो गई, मतलब जिससे उनको एक तरह की बेनिफिट्स होते थे, जो हमने कुछ इतिहास में भी हमने भी पढ़ा था कि पहले लोग जो थे सूर्य की, चंद्रमा की या वर्षा की, इस तरह से अगर वो करते थे तो इस तरह की पूजा पाठ करते थे। लेकिन इन्होंने आकर यहाँ पर हमारे जो बौद्ध धर्म को इन्होंने आकर नष्ट किया, बौद्ध मठों के ऊपर इन्होंने अपने मंदिर स्थापित कर दिए। मैं कुछ टाइम पहले न्यूज में अखबार में आया हुआ था, मैं उसमें देख रही थी कि शायद वो साउथ की बात है, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन उसमें बुद्धा जी की स्टैचू को गेरुई कलर से पोत करके और उसमें एक लंबा सा टीका लगाया हुआ था और बाकी उनके उस पर कपड़ा से ढक करके उसको एक देवी का रूप दिया हुआ था। तो वहां पर कुछ लोगों ने उसको, मतलब उसका भंडा फोड़ करा, उसको कपड़ा हटाया तो उसके अंदर यहाँ बुद्धा जी की स्टैचू निकली। तो उससे साबित होता है कि इन लोगों ने जो हमारी जो संस्कृति थी उसको पूरी तरह से नष्ट किया। उसके बहुत सारे उल्लेख हैं, बहुत सारे हमारे पास उसकी जानकारियां हैं, जहाँ नागपुर में बिहार में चले जाइए, नालंदा हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं जो कि इन आर्य ब्राह्मणों ने यहाँ पर आकर जो हमारी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट किया। तो आज की जो हमारी महिलाएं हैं वो अपना इतिहास नहीं जानती हैं, और इतिहास नहीं जानने का बहुत बड़ा कारण जो है अज्ञानता है, अशिक्षा है। क्योंकि हमारा समाज, जब ये आर्य ब्राह्मण आए उन्होंने हमसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया, हमारे सारे अधिकार इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिए। क्योंकि ये लोग जानते थे अगर ये शिक्षित होंगे दोबारा से, पढ़े लिखेंगे, तो अपने सारे अधिकार जानेंगे और हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। तो इन्होंने सब कुछ हम लोगों से छीन लिया, हमें पूरी तरह से गुलाम बना लिया। तो उसी में हमारी महिलाओं को भी और हमारे पुरुषों को भी पूरी तरह गुलाम बनाया। तो जब पुरुषों को और पढ़ने का अधिकार नहीं था तो हमारे समाज की महिलाओं को कहाँ अधिकार होता। तो उसी चक्कर में इन्होंने क्या किया कि पुरुषों को गुलाम बनाया, लेकिन हमारी महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाया। मानसिक गुलाम कैसे बनाया कि उन्होंने जो अपने जो देवी देवता के जो अलग अलग तरीके के जो मिट्टी के जो स्टैचू, मैं कहूंगी मूर्त कहूंगी मैं, उनको बना बना के हमारे समाज में उनको उनका डर दिखा दिखा के हमारे समाज की महिलाओं को पूरी तरह से मानसिक गुलाम बना दिया और उनके अंदर इतना डर बैठा दिया कि वो आज पूरी लगन मगन से पूरा पैसा खर्च करके उसको पूरी तन्मयता के साथ निभा रही है। तो वो अज्ञानता के कारण, ये सब जो हुआ हमारी महिलाओं के साथ अज्ञानता के कारण हुआ, अशिक्षा के कारण हुआ। अगर शिक्षित महिलाएं हमारी होती तो वो इनकी चालबाजी को समझ जाती और इनके जो मकड़ जाल था, इनका जो माया जाल था, उसमें नहीं फंसती। तो ये जो हम आज हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे है, इसमें जो हमारे गुलामी की जो बहुत सारे जो इन्होंने लादा हुआ है, उसमें मैं समझती हूँ सबसे बड़ा जो है इन्होंने
जो बहुत सारी पूजा पाठ के जो इन्होंने बताए नवरात्रे हैं जी, देवी की पूजा, शंकर की पूजा, हनुमान की पूजा, बहुत सारे पता नहीं किस किस की पूजा, और सबसे बड़ा करवा चौथ का व्रत। जो करवा चौथ का जो व्रत है, साइंटिफिक रीजन आप देखो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमारे समाज की महिलाएं समझदार होते हुए जो पढ़ी लिखी हैं वो भी उस चीज को पूरी तरह से कर रही है, क्योंकि बेसक किताबी तो पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, लेकिन वो समाज वो मानसिक रूप से अभी भी ब्राह्मणों की गुलाम है। तो सबसे बड़ी जो गुलामी का कारण ये अशिक्षा है, और अब इसके वजह से जो हमारी महिलाएं जो है आज भी उस चीज को पूरी तरह से लगन से लगी हुई है। करवा चौथ के व्रत रखने से अगर पुरुषों की जिंदगी बड़ी होती तो मैं आज कहती हूँ जो जवानी में जिनकी शादी को 2 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, वो विधवा ना होती, और जिनको जो और इस तरह के एग्जाम्पल जो मैं अपने अपने परिवार से लेकर चलती हूँ, मेरे परिवार में मेरे सबसे बड़े जेठ, मेरी जेठानी पूरी लगन से करवा चौथ का व्रत रखा करती थी, और वो बड़ी जवानी में उनके 3 बच्चों को छोड़कर वो विधवा हो गई। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई दीदी, अगर आपने पूरी ईमानदारी से व्रत किया था, या तो आपने ईमानदारी से नहीं किया इसलिए आप विधवा हो गई, और अगर आपने पूरी ईमानदारी से किया तो इसका मतलब इसे करवा तो ये व्रत व्रत रखने से कुछ भी नहीं होता है, किसी की कोई उम्र वगैरह नहीं बढ़ती है, इस चीजों को छोड़ दो। आपने तो चलो आप बीत गया, लेकिन आप अपने बच्चों को इस चीजों में मत लगाना, अपनी बेटी को मत लगाना, अपने बहुओं को मत लगाना। मैं अगर कहूंगी तो एक तरह का हो सकता है कि हमारे बच्चों को भड़का रही है, लेकिन आपको ये चीजें करनी है, अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखना है। तो हमें अपने घर परिवार से इन सब चीजों को महिलाओं को इन सब चीजों से दूर रखने का प्रयत्न हम लोगों को ही करना है। हमारी जो पिछली पीढ़ी है वो उनकी जिंदगी बीत चुकी है, जैसे हमारी मम्मी है, दादी है, चाचियां हैं, उनकी बीत चुकी है, उनका वो जो करनी उन्हें छोड़ दो, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी को इन माया जाल से अगर छुटकारा पाना है तो हमें उन्हें ये सब चीजें उन्हें समझानी पड़ेंगी, उन्हें ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी कि हमें अपना जो कीमती समय है इन सब चीजों के पीछे बर्बाद नहीं करना है। आज की महिलाएं, अब करवा चौथ आने वाला, मैं आज मार्केट गई, इतनी जबरदस्त भीड़ थी, जो कि ये कोरोना कोरोना चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनका जब त्योहार आते हैं तो उस टाइम पे इनका कोरोना पता नहीं कहाँ चला जाता है, डर के मारे कहीं बैठ जाता है, समझ नहीं आता है, इतनी जबरदस्त भीड़ थी। तो उसमें अधिकतर मैंने जो महिलाएं जो वहां नजर आती है ना, जो नवरात्र अब शुरुआत हो गए, तो उसमें मैं देखती हूँ बहुत रिच फैमिली की महिलाएं तो वहां घूम रही नहीं होती हैं, वो महिलाएं घूम रही होती हैं मार्केट में भी, जबरदस्ती की शॉपिंग करती हैं, जबरदस्ती की खरीदारी कर रही होती हैं, वो महिलाएं वही होती हैं जो मिडिल क्लास से मिली या मिडिल से भी नीचे हैं, वो कौन है, वो सिर्फ हमारे समाज की महिलाएं होती हैं। उन लोगों को समझाना, इन लोगों को हमें जागरूक करना है, तो हमें इनके गली गली कूचे कूचे गाँव गाँव में हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो समझदार लोग हो गए जिन लोगों ने इन सबको छोड़ दिया, हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें इन चीजों को अवगत कराएं, इन चीजों से उन्हें समझाएं, उन्हें फुले अम्बेडकरी विचार उनको दें, सावित्री बाई फुले के बारे में बताएं कि तुम जो अशिक्षित हो या जो पढ़ी लिखी हो वो माता सावित्री बाई फुले की वजह से हो। तो हमें अपने महापुरुषों के बारे में इन लोगों को समझाना पड़ेगा, इन लोगों को उस बारे में बताना पड़ेगा, तभी हमारी महिलाएं जो ये बहुत सारे बंधन इन सभी से तभी छुटकारा पा सकेंगी जब वो जागरूक होंगी, और जागरूक वो तभी होंगी जब हम सब मिलकर हम सब साथ मिलकर के प्रयास करेंगे, तभी हम लोग सफल हो सकेंगे। अब जैसे हमारा ये विद द पीपल का कॉन्सेप्ट अब हमने ये स्टार्ट हुआ है, तो इस मंच पर हम सभी लोगों को जोड़ने की अपील इसलिए कर रहे हैं कि उसमें क्या है कि पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी, महिलाएं भी, बच्चों को भी, सभी के लिए ग्रुप बना दिया जाएगा, सभी के लिए जोड़ने के लिए मंच अलग अलग से मीटिंग्स ले रहे हैं, बच्चों की अलग होती है, युवाओं की और महिलाओं की जैसे आज हो रही है, पुरुषों की डेली होती है, तो इस तरह से सभी को जोड़ने का जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, इसीलिए ये विधा पीपल ने एक तरह से बीड़ा उठाया कि अपने समाज को जागरूक कर सके, और जागरूक होंगे तो अपना आप इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों से मैंने भी स्टार्टिंग में सब किया था। बहुत मुश्किल होता है हमारे समाज की महिलाओं को इन चीजों को एकदम से छोड़ना, क्योंकि 5000 साल पुरानी गुलामी है, इवन ज्यादा ही है, तो इतनी लंबी गुलामी एकदम उस चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें धीरे धीरे प्रयास करते रहना होगा, धीरे धीरे अपने समाज में जाकर इन चीजों को हमें बताना होगा, और जो महिलाएं इन सब चीजों को छोड़ चुकी हैं, जो गुलामी की जंजीरें तोड़ चुकी हैं,
वो अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने आसपास के एग्जाम्पल को देके अपने समाज में जब मीटिंग्स होती हैं तो वो सॉरी तो वो एग्जाम्पल वहां पर अगर मीटिंग में चाहे वहां 10 महिलाएं बैठी हैं और उन 10 महिलाओं के बीच में अगर हम मैं कहूंगी मैं अर्चना गौतम जी का एग्जाम्पल देकर उन्हें बताऊं कि भाई गुड़गांव में ऐसी एक महिला रहती है जो इतने टाइम से ये सब कुछ छोड़ चुकी है और उनके घर में उनके बच्चे पढ़ लिख कर इतने अच्छी अच्छी पोस्ट पर लग चुके हैं या उनके हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो आज तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक ठाक है, अच्छे बड़े मकान में रहती हैं, तो उन्हें जब कुछ नहीं हुआ सब कुछ छोड़ने के बाद तो आपको कैसे कुछ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम इस तरह के एग्जाम्पल कहीं पर पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं तो अटैक माइंड पर जरूर करेगा कि जब भाई ये महिला ये सब लोग ठीक ठाक घूम रही हैं तो इसका मतलब अगर हम छोड़ेंगे तो शायद हम भी हमें भी कुछ नहीं होगा, तो इस तरह से थोड़ा बहुत वो भी प्रयास कर सकती है इन सब चीजों को छोड़ने का। तो ये जो हमारे जो गुलामी की बहुत सारी जंजीरें जो हमारे बेड़ियों में जो पैरों में जो पड़ी है, हमारे माइंड पे जो पड़ी है, जो इन्होंने पर्दा डाल दिया है, उन सबसे निकलने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो शिक्षित नहीं है उन्हें शिक्षित किया जाए और जो शिक्षित हैं उन पर उनको बाबा साहब फुले अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, रामाबाई जी के अपने सारे महापुरुषों के बारे में उनको जानकारी दी जाए और आंदोलन के बारे में बताया जाए, विदा पीपल क्या कर रहा है उसके बारे में भी बताया जाए और धीरे धीरे अपने समाज में अपने समाज की महिलाओं और बच्चों के बीच में बैठ करके ये सारे डिस्कशन किए जाए, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पर हो, जैसे भी हो, जहां भी मौका हो, आप चाहे कहीं शादी में जाएं, फंक्शन में जाएं, पार्टी में जाएं या फिर किसी बर्थडे में जाएं या कहीं आप लोग ऐसे ही कोई छोटा सा आपने पिकनिक का प्रोग्राम रखा है या कुछ भी है, आप वहां जहां भी जाएं वहां पर आप छोटे से लेवल से आप ये डिस्कशन करें, छोटे लेवल से आप उनको बताना शुरू करें या किसी का एग्जाम्पल देकर बताना शुरू करें तो मैं समझती हूँ शायद ये काम हम कामयाब जरूर होंगे और अपने समाज की महिलाएं हम उनको गुलामी से जरूर निकाल पाएंगे। क्योंकि मैंने भी जब ये सब छोड़ा था तो थोड़ा बहुत कहीं मुझे भी डर लगता था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पता नहीं कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, लेकिन आज मैं अगर कहीं एग्जांपल देती हूँ तो मैं खुद का देती हूँ कि मेरे घर में इतनी डेथ हुई, उन्होंने सब कुछ किया था लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं आप सबके सामने भली चंगी हूँ, मेरा बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है बाबा साहब की दुआ से, घर मकान गाड़ी वगैरह सब कुछ है, जब मैं सब कुछ छोड़ के आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक हो तो आप सब भी इन सब चीजों से छोड़िए, उस पैसे को आप बचाइए और अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाइए, अपने बच्चों के फ्यूचर पे लगाइए, तो वो जरूर मुझे लगता है कि वो भी आप सबकी बात जरूर समझेंगे। और कहते हैं धीरे धीरे अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है, तो धीरे धीरे हमें भी प्रयास करेंगे समाज में जाके तो हम जरूर कामयाब होंगे और अपनी ये विदा पीपल का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी लेकर सभी के बीच में जाएं और उन सभी लोगों को समझाएं तो जरूर कामयाब हो, हमें कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, सभी ने मुझे सुना, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मनीषा मैम थैंक यू, बहुत बढ़िया मनीषा बहन जी, बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना थोड़ा सा डिस्कशन में? सर्वेश कुमारी जी का हैंड है, हैंड रेज है। मनीषा बहन जी, शिक्षा शिक्षित होने से काम चल जाएगा क्या? देखो भाई साहब, जब मैं शिक्षित हूँ तो मैं समझी ना विचारधारा को, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, शिक्षित तो आपकी आपकी तरह पीएचडी भी है और भी डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी है, मतलब महिलाएं भी। सर मैं एक बात कहना चाहूँ। सर जी, परियार सर जी, मैं एक बात कहना चाहूँ। आपने जो शिक्षा की बात कही ना, मेरी मेरी सास आज 80 साल की है और बिल्कुल अनपढ़ थी, अनपढ़ है मतलब थी नहीं, अभी भी है वो। तो जब मेरी 90 में शादी हुई थी ना, तो मैंने 91 में पहला व्रत रखने का, मैं भी ये सोचती थी कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। तो मैंने अपनी सास से पूछा कि माँ जी क्या करवा चौथ का व्रत रख ले, क्योंकि हमारी माता जी ने ऐसे संस्कार दिए थे कि जो भी करना ससुराल में वो अपने सास ससुर से पूछ कर करना। तो मैंने पूछा उनसे, तो मेरी सास तो अनपढ़ थी और बिल्कुल गाँव देहात की थी, गाय भैंस पहनने का उनका काम था। तो मैंने उनसे जब पूछा करवा चौथ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटी, मैंने तो आज तक करवा चौथ का व्रत रखा नहीं और तेरा पिताजी देख ये जिंदा बैठा है तो अब तक मरा नहीं। तो
तो उनको तो कहने लगी ये तो मरा, ये तो देख ले अब तक मरा नहीं, ये तो जिंदा, ऐसे ही बोलती थी। यही भाषा हरियाणा की भाषा आपको पता में है। अर्चना गौतम जी, गांव में हमें पता ही नहीं होता था करवा चौथ का भी कोई वर्त होता है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, वो जितने ज्यादा पढ़े लिख रहे हैं उतने ही ज्यादा हम ये कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था गुस्सा करती थी, सिर्फ पढ़ाई मतलब एक फॉर्मल पढ़ाई कर लेते हैं उसे बात नहीं बनती, अपना मन होगा जब होगा। तो कह रही थी जानकारी का अभाव है ना उन लोगों के अंदर, वो उनको फुले अम्बेडकर वो मतलब मैं सिर्फ ये डिस्कशन में इसलिए ला रहा था कि डॉक्टर सब कुछ पढ़ के भी वो ये फिर भी कर रहे हैं तो वो फिर फायदा नहीं है। वो एक्चुअल नहीं पढ़ाई, वो वैसे एक मतलब मंथन नहीं है। सर सब कुछ टीवी पे, आप बोलिए जी जी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। विश्व रतन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सभी भाई और बहनों को जय भीम, जय संविधान जी। और रही बात आज हम लोग महिलाओं के लिए चर्चा कर रहे हैं कि देखिए जितना ज्यादा हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं या समाज में हम लोग सब जागरूक हो रहे हैं जिस तरीके से लोग कहते हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा जो आ रहा है हम लोग देखते हैं टीवी पे कि हाँ ये त्योहार आ रहा है तो त्योहार का ही उसमें सीरियल, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर घर में उनका क्या काम हम निपटाने के बाद में सारा काम करने के बाद में वो टीवी देखती है। तो एक मेन चीज कर दिया, टीवी को फोकस कर दिया गया है कि टीवी को उसमें दिखाया गया कि हाँ करवा चौथ आ रहा तो करवा चौथ तो पूरा पूरा वही चीज तो ले लीजिए वही देख देख कर उस पे ही ज्यादा वो करती है। क्योंकि गांव में देखिए नहीं ना ही इतना टीवी का आदमी इतना शौकीन है ना कुछ है, तो वहां पे उस तरीके का एक अलग ही वहां का एक रहन सहन है या कुछ। तो औरतें जो होती है ना ये जो कहेंगे कि वो उन सब चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट करती है जो दिखावा होता है, तो उन सब चीजों को देखती है कि नहीं भाई अब करवा चौथ आ रहा है तो करवा चौथ पर टीवी में, अरे उसने तो इस तरीके की साड़ी पहनी थी भाई हम भी उसी तरीके की चूज करेंगे। तो ये सब चीजें हमने देखा है क्योंकि हम भी पहले मनुवाद को मानते थे, करीब हमें हो गया है 6 साल हो गया है मनुवाद को छोड़े हुए, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि छोड़ने से हमें बहुत रिलैक्स फील हुआ है। और यही बात मनीषा मैम ने अभी बोला था कि जिस तरीके से साउथ में मंदिर के लिए कि बौद्ध विहार को मंदिर बनाया गया है, हमारे यहाँ पर मैनपुरी से जुड़ा हुआ है संकिसा, संकिसा में वहां पर आपको बताए बुद्ध जो भगवान बुद्ध की मौसी जी आई थी, तो संकिसा बहुत ही अच्छी एक बौद्धिस्ट जिस तरीके सारनाथ थे इसी तरीके से हमारे यहाँ संकिसापति आई थी जी, तो गौतमी जी आए थी वहां पर उनका एक मंदिर बना हुआ है, तो वहां पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन यू नो मनुवादियों ने क्या किया है कि उस पे सिंदूर इंदूर लगा के सेम, क्योंकि हम तो वहां जाते रहते हैं हम गए हैं वहां पर, तो वहां हमने देखा है जो अशोक टीला बना हुआ है उसके पीछे आज भी फोर्स हमेशा वहां तैनात रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बौद्ध हम लोगों में और जनरल कैटेगरी वाले वहां पर कहीं उस टीले के लिए वहाँ लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है। तो वहाँ लेकिन एक चीज वहां पर वहाँ जितना मुझे सुकून मिलता है, हम लोग यहाँ से जाते हैं हमें वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है कि वहाँ श्रीलंका थाईलैंड कंबोडिया इंडोनेशिया मतलब हर जगह का वहाँ पे बौद्ध विहार बना हुआ है। जितने भी लोग हमारे आस पास के क्षेत्र के हैं जो लोग वहाँ गए होंगे वो कहेंगे कि हाँ है कुछ। तो उसी तरीके से अभी हमारे यहाँ कासगंज के जी और ऐसे ही कासगंज के पास में मिर्याची पड़ता है, मिर्याची के पास में ही वहाँ बौद्ध विहार है, तो वहां पर जो बुद्ध की मूर्ति थी बुद्ध की मूर्ति के ऊपर ही शिवलिंग स्थापित कर दी गई, शिवलिंग स्थापित की गई है। हमें भी जानकारी नहीं थी, अभी राजरतन अम्बेडकर जी उस जगह गए थे तो जब उसके बारे में जानकारी दी तो हमने कहा अरे ये तो हमारे ही गांव के पास में ही है क्योंकि हमारी ससुराल वहीं पास में ही है, तो हमने कहा इस बार अगर हम अपनी फैमिली के साथ जाते तो उस बौद्ध विहार को हम लोग देख कर आते वहां पे घूम कर। तो इन लोगों ने सभी जगह पे जहां भी जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध मठ बनवाए थे तो उन्होंने कहीं तोड़फोड़ की है, जहां तोड़फोड़ नहीं कर पाई है तो वहां पर बुद्ध को ही कभी किसी देवी के रूप में कभी किसी देवी के रूप में वहां पे विराजमान करके बथाल दिया है कि चुंडी उंडी उड़ाकर। तो ये उन्होंने ही जो हमारा बुद्ध कल्चर को मनुवाद के ही रूप में किया है। और हमारे जो सबसे मेन है कि मनुवादियों ने हमारी घर की महिलाओं को ही
उनके अंदर इतना डर पैदा कर दिया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बच्चों के लिए ऐसा हो जाएगा, क्योंकि औरत के लिए पति और बच्चा ही सब कुछ होता है। तो उनके अंदर इतना डर पैदा किया, जैसे अब करवा चौथ के लिए कह दिया है कि उनको ऐसा उनके दिमाग में बैठा दिया है कि करवा चौथ आप रखिए तो पति की लंबी उम्र होगी। तो लंबी उम्र ऐसी अगर हो जाए तो फिर मुस्लिम वर्ग के जो पुरुष है तो उनको तो सबको ही मर जाना चाहिए होता, या फिर जैसे क्रिश्चियन है वो लोग हैं। तो भाई ये सब चीजें, ये ढकोसला है और इन लोगों को चाहे जितना भी समझाओ बहुत कमी है जो समझ में आता है। और हम इसी बात को चर्चा करते हैं कि बचपन में हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो चंदा मामा है, और चंदा मामा के बाद में करवा चौथ पे उसी को ही हम लोग पति का रूप में पूजते हैं, तो भाई को कब से हम लोग पूजने लगे। तो ये चीजें हम लोगों को अपनी बहनों को समझाने की बात है। और हम हमेशा, अब करवा चौथ आ रही है तो जब हमारी बीच में बात होती है तो हम इसी टॉपिक पे जाकर डिस्कस करते हैं। और आपको बताएं मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है, आंखों में स्वेलिंग आई हुई है, लेकिन आज वुमेन स्पेशल है तो मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया, मीटिंग अटेंड की और हमने कहा कि उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरीके से हम लोग, जो लोग हमारी बहने हैं जो जागरूक हो गई है, जैसे अभी नेम सिंह सर है, वो बार बार ये कह रहे थे कि महिलाओं को इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्यों, या फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं जो मथुरा से हैं, वो ये कह रहे हैं मनुवादी जो हम लोग जेवर पहन रखा है नाक में कान में, क्या बुद्ध के समय में क्या महिलाएं कान में और नाक में नहीं पहनती थी। देखिए ये चीजें हम लोग, अगर आप ये कहें कि एकदम से बदलाव लाना चाह रहे हैं तो एकदम से नहीं ला पाएंगे। क्या उनके घर परिवार में माफी चाहेंगे? डॉक्टर साहब अगर आपको बुरा लगे तो हम पहले से माफी चाहेंगे। क्या आपके कल्चर में, हम भी मैनपुरी जाते हैं, हमारे भी रिलेटिव है वहां, तो हमें मालूम है कि वहाँ का कल्चर क्या है कैसा है। तो इसलिए आपके, आप अपने ही फैमिली में देखिए कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो क्या बिगर जेवर की रहती हैं। तो बदलाव लाना है तो दूसरों के ऊपर कहने से पहले पहले अपने घर से बदलाव कीजिए, क्योंकि जब हम अपने घर में बदलाव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों लोगों को भी बदलाव करने के लिए बात हम कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को जागरूक करना चाहते हैं कि नहीं हम जागरूक हो गए हैं, तो पूर्ण रूप से हम जागरूक हैं तभी हम दूसरे के लिए कह सके कि नहीं हाँ आप जागरूक होइए। क्योंकि हमारे यहाँ पर हम मनुवादी थे क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें जो सिखाया हमने उसको सीखा, लेकिन मेरी जहाँ ससुराल है, हमारी ससुराल में कोई पूजा पाठ नहीं होता था, कोई कुछ ऐसा नहीं, पाखंडवाद को नहीं मानते थे। और उन्होंने हमेशा हमें सीख दी, क्योंकि मेरी सासू माँ भी कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, मेरी देवरानी भी नहीं रखती। हम कानपुर में रहते थे तो यहाँ शहर का कल्चर देखा तो उसको देख के हमने भी कहा नहीं मेरी फ्रेंडें रह रही हैं तो हम कैसे नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हमने रखना शुरू किया। लेकिन बस यही है कि जब मुझे बाबा साहब के बारे में हमने पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, तो हमने जब जाना कि नहीं ये कल्चर जो है ये तो ढोंग का कल्चर है, उसको हटाना पड़ेगा, जब हमने उसको हटाया अब हम अपने कल्चर में आकर अपने आप को उस रूप में ढाला है, अपने बच्चों को हम तो नहीं मानते, हमसे ज्यादा जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे डायरेक्ट मेरी बेटी है, वो बीटेक कर रही है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, और उससे कोई कहता है कि भगवान है तो वो सीधे कहती है भगवान है तो भगवान हमारे सामने आए, हम तब जानेंगे भगवान है। अरे इंसान इंसान को समझे वही बहुत बड़ी बात होती है। जब कास्टवाद को लेके लोग एक दूसरे को हीन भावना दिखाते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में रेप केस होता है, तब भगवान कहाँ चला जाता है। कास्ट में ही अगर जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो वो एससी एसटी ओबीसी की, या हम लोग एससी एसटी वालों के साथ में इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, तब भगवान कहाँ चला जाता है, तब भगवान बचाने नहीं आता। क्या भगवान केवल जनरल कैटेगरी या ब्राह्मणवाद को ही, वो उन लोगों की सेफ्टी के लिए है? हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा है। हम तो तब जानते हैं कि जब एक, आज एक डेढ़ महीने की लड़की के साथ में रेप हो जाता है, रेप कर उस बच्ची के क्या कहा जाए कि वो बच्ची ने तो जन्म लेके अभी दुनिया भी नहीं देखी है, तब भगवान कहाँ चला जाता है। तो हम इस चीजों को नहीं मानते हैं, भगवान ना था ना है, ये तो सब इन लोगों ने कमाओ का एक जरिया बना रखा है कि अगर भगवान के बात करते हैं तो, अगर भगवान की ही बात पे अगर ये सब चीजें आए, हम ये कह रहे हैं कि महिषासुर को दुर्गा ने मारा था, तो दुर्गा क्या है? दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है एक वहां कोलकाता से वैश्या के कोठे से मिट्टी ला के दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? जरूरी है क्या कि अगर दुर्गा की मूर्ति बन रही है तो वो तो किसी मिट्टी से बन सकती है, क्यों वैश्या के कोठे से ला के बनाई जाती है?
तो ये सब चीजें, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दुर्गा खुद एक वैश्या थी जिसने 9 दिन तक महिषासुर को इतना ज्यादा उनको नशे में रखने के बाद में 9वें दिन उनको मार दिया था। तो ये सब चीजें पाखंड को जानते हैं, इन्होंने वही अपनी 9 देवियों को बनाया है कि देवी हैं, चाहे वो दुर्गा हो, काली हो, कोई भी हो। तो इनके साथ में जो महिलाएं आई थी विदेशों से, इन्होंने यहाँ पे जो महिलाओं को अपने साथ लेकर आए थे उनको ही देवी का रूप दे दिया। हम मानते हैं अगर देवी का रूप देना है तो माता सावित्री बाई को देवी का रूप दीजिए, माता रमाबाई को देवी का रूप दीजिए, माता ज्योतिबा माफ कीजिएगा, हमारी जितनी भी माए जितनी भी हैं हम लोग उनको देवी का रूप मानते हैं और मानना चाहिए, क्योंकि हम सावित्री बाई फूले को मानते हैं शिक्षा की देवी हैं, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों के बीच में शिक्षा की ज्योति जलाई। माता रमई ना होती तो हमारे बाबा साहब वहां यहाँ तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया है। आजकल की जैसे हम ही लोग हैं, हमारे हस्बैंड को थोड़ा सा लेट हो जाता है तो हम उनसे 4 बार क्वेश्चन करते हैं, आप क्यों लेट हो गए, कहाँ थे, क्यों भाई क्या हो गया। तो क्या बाबा साहब तो विदेश में भी गए, माता रमाबाई ने तो हर जगह उनका सपोर्ट किया। तो एक माता रमाबाई जैसी महिला बनना हमें नहीं लगता है कि कोई बन सकता है। हम लेडीज अगर 5% भी उनकी जैसे बन जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू बहन जी सर्वेश कुमारी, बहुत अच्छा और बढ़िया आपने। अब करवा चौथ तो अभी दूर है, उससे पहले अब करंट क्या चल रहा है? अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि चल रहे हैं अभी तो, अभी तो सारी अरे सर आपको बता दे कि नवरात्रि वो लोग मना रहे हैं जिनकी माताएं वैसे वो वृद्धाश्रम में रह रही है। हम कानपुर में ही आपको बता दें, हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, एक से एक बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपनी माता को अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के अपने घर में जागरण करवा रहे हैं। माता बताइए सर, नवरात्र तो हम भी मना रहे हैं। देखिए फर्स्ट नवरात्र पे हमारे चिकन बना, आज थर्ड नवरात्र पे चिकन की बिरयानी बनी है, हम तो डेली नवरात्र बना कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी हम तो भाई इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। और एक बात मिलता है इस समय थोड़ा रेट डाउन हो जाता है सर, हम तो कुछ खाते हैं 9 दिन सर, 9 दिन डेली मिलता है कुछ ना कुछ। गांव में कहावत कही जाती है कि सदा दिवाली हो जब घर गेहूं, एक गांव में कहावत है कि अगर आप सदा दिवाली मनाइए जब आपके घर में गेहूं हो, आपके जेब में दाम है, आप हमेशा सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे लाइए, घर पे हम लोग बना के हम लोग खिला रहे हैं, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, जरूरी है कि हम बाहर जाके ही सेलिब्रेट करें। तो नवरात्रे का आज जागरण था और हमारे घर में बिरयानी बन रही थी, तो एग्जॉस्ट फैन तो लगाए हुआ था, बाहर तो खुशबू उड़ ही रही होगी, तो कह रहे होंगे बिना खुशबू भी पहचान लेती है माताएं तो, वो तो पहुंच जाएगी वहां खाने के लिए। मनीषा मैम, जिस तरीके से आप अपनी स्कूल की बात बता रही थी कि आपने वहाँ जो शर्मा जी की ऋषि अम्बेडकर जी का नहीं, मनीषा मैम अभी अपनी स्टोरी बता रही थी, इस तरीके से आपको हम बताएं, हम जिस जगह रहते हैं जनरल कैटेगरी के बीच में रहते हैं, अकेले जय भीम वाले हैं, अकेले जय भीम वाले हैं, करीब हमारे घर के आसपास 10-20 घर ऐसे हैं जो कट्टर भाजपाई हैं और उनको जय भीम बोलने में भी डर लगता है। जो कुछ लोग हैं कुछ कोरी समाज से बिलोंग करते हैं, उनको जय भीम बोलने में डर लगता है। तो आपको बताया जब हम यहाँ आए थे तो हमारे घर के पास में एक पंडित जी रहते हैं, उनकी वाइफ कहती है कि अरे ये जब से चमारिन आ गई है तब से ये मोहल्ला एकदम दूसरी तरह का है। तो हम एक बार सुन लिए, दूसरी बार हमसे बोला गया तो हमने कहा सुनिए हम चमारिन आ गए हैं तो चमारिन किस बात के, ये बताइए कमाई आपकी खाते हैं या आपके घर में रह रहे हैं? हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने हस्बैंड की कमाई खा रहे हैं। हमने कहा हमारा समाज अंधा है, जो हमारा समाज बुला के तुम्हें कथा और भागवत करवाता है, जिस दिन हमारा समाज कथा और भागवत करवाना बंद कर देगा ना उसी दिन अपने ही घर मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मांगोगे। उस दिन से उस लेडीज ने हमसे बोला नहीं, क्योंकि हम एकदम स्पष्ट बात बोलते हैं कि अरे हमारा समाज ही इतना दोगला है कि वो जब तक पंडित को जब बच्चा जन्म लेता तब भी पंडित को ही पूछेगा, मतलब हमारा ही घर में बच्चा जन्म लिया है, हम लोग अपना नाम नहीं रख सकते,
हमारे ही घर का कोई पुरुष किसके ये कोई खत्म होता है तो हम अपने पुरुष का कोई भी दाह संस्कार वगैरह भी वो हम लोग खुद नहीं कर सकते। ये हमारी बेवकूफी है क्योंकि हम लोगों ने उनको बढ़ावा दिया। जिस दिन हमने हम लोग उनको बुलावा लाना या उनको पूछना बंद कर देंगे उस दिन, या वो अगर रास्ते में निकल के जा रहे हैं तो हम उनको अरे पंडित जी राम राम और सीताराम दुनिया भर का करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी हमारे बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया है, क्यों हम उनको तो सम्मान दे। जिस दिन हम लोग जी हजूरी करना बंद कर से गुलामी है सर्वेसी। नहीं हमने देखा है कि अगर हमारे समाज का एक बुजुर्ग भी बैठा होगा और एक पंडित कोई बच्चा जा रहा होगा तो उनको पंडित जी हाथ जोड़ के उनको निवेदन करेगा। एक हमारे यहाँ 60 साल का बुजुर्ग और 10 साल के बच्चे को करेंगे पाय लागू। तो वही चीज होता है तो, और उनके ही समाज का अगर कोई 10 साल का बच्चा है वो हमारे समाज के 60 साल के बच्चे 60 साल के पुरुष को नमन नहीं कर सकते हैं, उनके समाज के लोगों के नमन करे तो सबसे बड़ी बात है। और आपको बता दे हम मथुरा भी अभी हम गए थे, पिछले हफ्ते ही मथुरा में थे हम, मथुरा हम गए थे तो मथुरा तो जाटों का इलाका है, वहां पे अगर जाटव समाज के लोग हैं, अगर जाटव है मतलब जाट है तो अगर जाट के सामने अगर चारपाई पे भी जाटव अगर बैठ जाता है तो वहां के लोग ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा वो समझते हैं कि अरे ये तो ये हमारी बराबरी करने लगे हैं कि ये करें। तो ये समझ लीजिए कि जाटों के सामने जाटों की कोई वैल्यू नहीं है मथुरा में। तो वो चीज हमने देखा है, कास्टवाद हर जगह फैला हुआ है लेकिन हम लोगों को उस जगह लड़ना है। लोग कह रहे हैं कि आप जाटव क्यों लिख रही हैं, या लोग ये कहते हैं कि आप कास्टवाद को क्यों वो बढ़ावा दे रही हैं, तो कास्टवाद को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम जाटव इसलिए लिख रहे हैं कि लोग ये कह देते हैं कि नहीं अलग अलग बिरादरियों में है, हम जाटव अभी इसलिए लिख रहे हैं कि जो देखिए जाटव हमारा लिखने का एक ये उद्देश्य है कि हम जनरल कैटेगरी में भी सर उठा के बोल सकते हैं कि हम जाटव हैं। और आप लोग तो अगर अपने राम को पूछते हो तो हम भी जय भीम वाले, इसलिए हम जाटव लिखते हैं। हम केवल ये नहीं कि अपने समाज के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, हम टाइम ज्यादा हो रहा है थोड़ा कंक्लूड कीजिए। जी 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 मैम, नहीं तो हम केवल ये चलिए ठीक है सर, इसीलिए अपने हम अपना नंबर भी हमने अपना नंबर डाला है चैट बॉक्स में और दोबारा हम डाल देते हैं। और चलिए जय भीम नमो बुद्धाय, सभी को शुभ रात्रि। जय भीम नमो बुद्धाय।